चलिए, तो हम लोग जो है ना बात कर रहे थे बेटा, क्या आइसोमेरिज्म हम लोग देख रहे थे और स्टीरियो आइसोमेरिज्म में हम पहुंचे थे, है ना। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में हम क्या, कोई कौन सा कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा, कौन सा कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, इसी पे डिस्कस कर रहे थे हम लोग। कुछ क्वेश्चन किया था क्या इसमें और? हाँ राइट। तो बस बेटा, तो ये देखो, ये बहुत सिंपल सवाल है। हमने अच्छा लास्ट क्लास में, मतलब जब हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में, कोई बच्चा एब्सेंट था क्या आप में से? अच्छा, काफी सारे एब्सेंट थे। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म आप लोगों ने, तो बेटा क्या आपको वीडियो मिला है? मिल गया है तो आपने वीडियो देखा है? वीडियो नहीं देखा है? हाँ, पिछले वाला वीडियो नहीं आया है? मिला है नहीं मिला है? नहीं मिला है, आप युवराज सर को बोल देना, ठीक है ना, वो तुरंत डाल देंगे। आप बोले क्यों नहीं अगर आपको नहीं मिला तो? समझ में आ गया था, कॉपी देखिए, ठीक है। तो ये इसके लिए आपको सीरियस होना पड़ेगा ना, समझ पा रहे हो क्या? चलो, तो समझ में आ गया था, तो मैं यहाँ से आगे बढ़ूँ। हमने क्या क्या देखा रखा था बेटा? हमने देख रखा था कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की स्टार्ट जो कहाँ से हुआ था, ठीक है, लुईस पाश्चर ने देखा था कि यार दो कंपाउंड बिल्कुल एक जैसे दिख रहे थे पर एक जैसे थे नहीं, ठीक है ना, वो क्या जैसे एक दूसरे के मिरर इमेज थे, उसमें लाइट के लिए सेंसिटिविटी पाई जाती थी। एक जो है वो लाइट को अगर लेफ्ट एंगल पर रोटेट करता था तो दूसरा राइट एंगल पर रोटेट करता था, और जो भी अगर लाइट के लिए सेंसिटिव होता है उसको हम कहते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, ठीक है। आ जाओ आ जाओ, उस कंपाउंड को हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, बैठ जाओ बेटा। तो और ऐसे भी कंपाउंड होते हैं जो क्या होते हैं बेटा, जो ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। ऑप्टिकली इनएक्टिव का क्या मतलब हुआ? कि वो लाइट को जैसा आ रहा है वैसे ही उसको जाने देते हैं, उसे किसी भी पर्टिकुलर एंगल पर रोटेट नहीं करते। तो इसमें जो हमने क्वेश्चन देखा था कि क्या, सबसे पहला क्वेश्चन ये कि कौन से इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से हम लोग ये काम हम देख पाते हैं, तो वो कौन सा था? पोलैरिमीटर, ठीक है ना। फिर हमने देखा था कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होता है, तो वो क्या होता है बेटा? ऐसी लाइट जो किसी एक पर्टिकुलर एंगल पे क्या करती हो, पर्टिकुलर डायरेक्शन पे क्या करती हो, वाइब्रेट करती हो, ठीक है ना। फिर हमने देखा कि यार कैसे हम चेक कर पाएंगे कि कोई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है, उसके लिए हमने कुछ टर्म्स देखे थे। पहला टर्म था कायरल कार्बन। कायरल कार्बन क्या होता है? ऐसा कार्बन जो sp3 हो और जिससे जुड़े हुए चारों ग्रुप क्या हो, डिफरेंट हो, तो वो कार्बन कायरल कार्बन होता है। हमने देखा कायरलिटी। कायरलिटी क्या होता है बेटा? ये मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। कायरल मॉलिक्यूल या कायरलिटी एक ही बात है, ये मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी है। और हम कैसे चेक कर पाते हैं? अगर कोई मॉलिक्यूल को हम दो इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, तब वो मॉलिक्यूल क्या होगा? कायरल होगा। या दूसरा एक और तरीका है क्या, अगर कोई मॉलिक्यूल अपना नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज अगर बनाता हो तो वो दोनों ही मॉलिक्यूल, वो और उसका मिरर इमेज वाला मॉलिक्यूल, दोनों ही इंडिविजुअली क्या होंगे बेटा? कायरल होंगे, ठीक है ना। तो फाइनली इसके बाद फिर हमने देखा कि यार वो कौन सा जो फैक्टर है जो किसी कंपाउंड के लिए रिस्पॉन्सिबल है कि वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा या इनएक्टिव होगा, तो वो कौन सा था बेटा? कायरलिटी, ठीक है ना। अगर मॉलिक्यूल कायरल है, अगर मॉलिक्यूल क्या है? कायरल है, तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। फिर हमने कुछ ऐसे ट्रू फॉल्स क्वेश्चन भी करे थे कि अगर कोई मॉलिक्यूल में कायरल कार्बन प्रेजेंट है तो क्या मॉलिक्यूल कायरल होगा? नहीं, यस, कायरल कार्बन का होना या ना होना ये कोई कंडीशन नहीं है किसी भी मॉलिक्यूल के कायरल होने के लिए। मतलब कायरल मॉलिक्यूल अलग बात है और कायरल कार्बन एक अलग बात है, राइट। कायरल मॉलिक्यूल अगेन किसको बोलते हैं? जिसको हम दो इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं कर सकते हैं। और कायरल कार्बन क्या? कायरल कार्बन वो जिससे जुड़े हुए चारों ग्रुप जो होंगे वो क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। ये है आपका कायरल कार्बन, ठीक है क्या? चलिए, तो फिर हमने क्वेश्चन पे आ गए। तो हमने क्या देखा बेटा? अगेन ये दो चार हमने क्वेश्चन किया, कौन सा कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है, कौन सा कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो हमने प्लेन ऑफ सिमेट्री टर्मिनोलॉजी देखी थी। प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है? एक ऐसा प्लेन, तो बोलो यार, प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है? एक ऐसा प्लेन जो किसी मॉलिक्यूल को दो इक्वल हाफ में क्या करता हो? डिवाइड करता हो। एक ऐसा प्लेन जो किसी मॉलिक्यूल को दो इक्वल हाफ में डिवाइड करता हो और वो दोनों इक्वल हाफ एक दूसरे के क्या हो? मिरर इमेज हो, यस और नो? जैसे मैंने आप लोग ये बताया था, ठीक है ना, यहाँ पे बेटा हमने टार्टरिक एसिड देखा था। ये टार्टरिक एसिड पहले से बना बनाया है, हमने बनाया था लास्ट क्लास में जब भी हम
पढ़ रहे थे, तो ये हमने आपको रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल भी बताया था। रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल एक था क्या, वेज डैश प्रोजेक्शन और एक था फिशर प्रोजेक्शन, यस और नो? तो वेज डैश प्रोजेक्शन क्या होता है बेटा, वेज डैश प्रोजेक्शन क्या होता है, ठीक है ना? हाँ, इसमें एक होता है क्या, सॉलिड लाइन, एक होता है वेज लाइन और एक होता है डैश लाइन, राइट? ठीक है ना? यस, वो 3D स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है। तो हमने कुछ ऐसा देख रखा था, ऐसा 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 ये और ऐसा, यस और नो? सॉलिड लाइन किसको रिप्रेजेंट करता है, ऑन द प्लेन को। वेज लाइन किसको रिप्रेजेंट करता है, अबव द प्लेन को। और डैश किसको रिप्रेजेंट करता है, बिलो द प्लेन को। हमने पूरे इसको 3D इसको देखा था, यस और नो? फिर हमने देखा था फिशर प्रोजेक्शन। फिशर प्रोजेक्शन क्या है, इसी को देखने का एक अलग तरीका है। उसमें हम क्या करते थे, पीछे वाले बॉन्ड को पकड़ के आगे लाते थे। जब पीछे वाले बॉन्ड को पकड़ के आगे लाते थे तो बेटा जब इसको हम पकड़ के आगे लाएंगे तो एक पूरा पूरा मॉलिक्यूल क्या होगा, टर्न होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पे ये बीच वाला कार्बन है और ये एक मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल, ये दोनों मॉलिक्यूल ऑन द प्लेन में है, एक बाहर और एक अंदर है। तो जब इसको मैं बाहर लाऊंगा लाइक ऐसा, तो आपको बेटा एक हॉरिजॉन्टल लाइन दिखेगा और एक वर्टिकल लाइन, ठीक है ना बेटा? तो हमने इस बारे में भी बात करी थी कि जब भी हमने फिशर प्रोजेक्शन देखते हैं हमको प्लस साइन नजर आता है। प्लस में एक होता है हॉरिजॉन्टल लाइन, एक होता है वर्टिकल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन क्या बताता है, अबव द प्लेन, और वर्टिकल लाइन क्या बताता है, बिलो द प्लेन। सबको याद आ रहा है ना बेटा? तो ये हमने देखा था। फिर ये तो हो गया प्रोजेक्शन, और फिर हमने प्लेन ऑफ सिमेट्री भी देख ली थी। फिर हमने क्या, अपन चेक करेंगे ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं। तो फाइनली हम देखेंगे कि मॉलिक्यूल कायरल है या नहीं। तो कायरल है या नहीं तो वो हम कैसे देखेंगे, अगेन प्लेन ऑफ सिमेट्री से। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, मतलब कंपाउंड ऑप्टिकली, मतलब ऐसे बोलो, अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री है मतलब मॉलिक्यूल कायरल नहीं है। मॉलिक्यूल अगर कायरल नहीं है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, और अगर किसी मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है तो प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है मतलब वो मॉलिक्यूल कायरल है, और मॉलिक्यूल कायरल है मतलब ऑप्टिकली एक्टिव है। पर हमने देखा था कि अगर किसी भी मॉलिक्यूल में एकमात्र काइरल कार्बन हो, मैंने पूरा एक एक करके बताया था बेटा, काट पीट के आपको दिखाया था, यस और नो? जो जो बच्चे ने क्लास लिया था इससे पहले उनको याद होगा। और अच्छा फिर से बता दो, जो बच्चे एकदम नए हैं, जो ने अटेंड नहीं किया है, तो हम रिवीजन करेंगे, हम लोग इसका रिवीजन करेंगे ना, जो चीज़ें अभी हो गई हैं उसका हम रिवीजन करेंगे। फिलहाल अभी हम वहां से स्टार्ट कर रहे हैं जहां पे हमने ख़त्म किया था, और थोड़ा सा रिवाइज कर रहे हैं। तो हमने देखा था बेटा कि अगर किसी मॉलिक्यूल में एकमात्र काइरल कार्बन है तो बाय डिफॉल्ट वो क्या होगा, वो मॉलिक्यूल काइरल ही होगा, ऑप्टिकली एक्टिव ही होगा। तो एकमात्र काइरल कार्बन है बेटा तो प्लेन ऑफ सिमेट्री देखने की जरूरत नहीं है। आप सीधा बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, कि वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है अगर एकमात्र काइरल कार्बन होगा तब। अगेन मैं बोल दूं कि इसका ये मतलब नहीं कि काइरल कार्बन है तो मॉलिक्यूल काइरल है। हाँ, हमने ये बाय एक्सपीरियंस हमने जाना, बाय एक्सपीरियंस, कि अगर किसी मॉलिक्यूल में एकमात्र काइरल कार्बन होता है तब वो मॉलिक्यूल काइरल होता है और वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है, एकमात्र काइरल कार्बन। समझ में आ रहा है क्या? यहाँ तक हमने कर रखा था, हमने कुछ क्वेश्चन भी देख रखे थे बेटा, वो क्वेश्चन मोर देन सफिशियंट है, ठीक है ना? आपको बस ध्यान रखना है कि सबसे पहले क्या चेक करोगे आप लोग, कि काइरल कार्बन है कि नहीं है। अगर काइरल कार्बन है तो अगर एक काइरल कार्बन है सीधा बोल देना ऑप्टिकली एक्टिव, अगर एक से ज्यादा है तो चेक प्लेन ऑफ सिमेट्री, हमने पूरा लिख रखा है बेटा, प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक करो। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है ऑप्टिकली एक्टिव। फिर हमने ये भी देखा कि अगर किसी मॉलिक्यूल में काइरल कार्बन ही नहीं है, तो नीट वाले बच्चे हैं हम, तो हमने आपको बोला था अगर काइरल कार्बन नहीं है सीधा आप बोल देना ऑप्टिकली इनएक्टिव। इतनी बातें हमने लास्ट क्लास में कर रखी थी, ठीक है ना, छुट्टी से पहले, ठीक है ना? अब आगे चलिए, तो अब सुनना बेटा ना, तो सबसे पहले ना, अब आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, पहले समझ लेते हैं कि आज जो देखने वाले हैं, ठीक है ना, वो क्यों देखने वाले हैं। देखो टार्ट्रिक एसिड आप लोग जानते हो, ठीक है, लैक्टिक एसिड आप लोग जानते हो, लैक्टिक एसिड। तो जैसे अगर मैं आपको लैक्टिक एसिड क्या है पहले तो मुझे बताओ बेटा, लैक्टिक एसिड क्या है? लैक्टिक एसिड अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं, CH3, हाँ बोल बेटा, CHOH, यस और नो? ये H है ना, ठीक है बेटा, ये लैक्टिक एसिड है। मैंने कुछ बताया था कि कम से कम लैक्टिक एसिड या टार्ट्रिक एसिड जो है बेटा इसको ध्यान रखना, ठीक है, ये लैक्टिक एसिड है, क्लियर है क्या? ये है लैक्टिक एसिड। मुझे बताओ बेटा
लैक्टिक एसिड ऑप्टिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव है? ऑप्टिकली सर स्ट्रक्चर बना के दिखाओ, ओरिएंटेशन बना के दिखाओ। क्या ये मुझे बोलना पड़ेगा कि सर बिना मैं बताए भी मैं बल बोल सकता हूँ? बोल सकता हूँ, क्यों? क्योंकि एकमात्र कल कार्बन है। तो अगर मैंने इसका ओरिएंटेशन नहीं भी दिया ना, तब भी आप बता सकते हो कि ऑप्टिकली एक्टिव है लैक्टिक एसिड, ठीक है ना? लैक्टिक एसिड ऑप्टिकली एक्टिव ही होगा, वो ऑप्टिकली इनएक्टिव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें एकमात्र काइरल कार्बन है ये। बेटा ये तो काइरल कार्बन है नहीं, यस और नो? ये तो sp2 कार्बन है, ये sp3 कार्बन, और इससे जुड़े हुए चारों ग्रुप डिफरेंट है बेटा, है ना? आज जो पहली क्लास अटेंड कर रहे हैं वो थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, क्योंकि ये चीजें पुरानी चीजें हम जो रिपीट कर रहे हैं, ठीक है ना बेटा? तो थोड़ा सा जो नई पहली क्लास अटेंड कर रहे हैं, बेटा आप तीनों का नाम क्या बता दें, तीनों की पहली क्लास है ना आप लोग की? आपका नाम क्या बेटा? आदर्श। और आपका नाम बेटा? कुणाल साहू, ठीक है। और आपका नाम बेटा? सॉरी, भूमिका। आदर्श, भूमिका और कुणाल, ठीक है। और किसी की एकदम पहली क्लास है कि वेरी फर्स्ट? नहीं है ना, हाँ ठीक है। चलो तो आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे बेटा, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा, है ना? और ये सारा रिविजन भी होगा तो उसका आप टेंशन ना लें। तो बेटा अब देखो ऐसा है कि ये लैक्टिक एसिड है, मैंने आपको जैसे सपोज मैंने आपको बना दिया, ये सपोज मैं कहता हूँ, सुन लो इसी में कहता हूँ, ये लैक्टिक एसिड है, ठीक है ना? एक लैक्टिक एसिड मैंने ऐसे बना देता हूँ, CH3OHH, क्या ये भी लैक्टिक एसिड है? देखो तो क्या ये भी लैक्टिक एसिड है? अभी मैंने स्ट्रक्चर ही बना के रखा है। मुझे बताओ क्या दोनों सेम लैक्टिक एसिड है कि अलग अलग लैक्टिक एसिड है? अलग अलग है। तो अभी आपने ऐसे देखकर बोल दिया कि सर एच और OH को चेंज किया है, यस और नो? आपने ऐसे ही तो देख के बोला ना सर, इसमें H ऊपर है OH नीचे है, इसमें OH ऊपर है H नीचे है, अलग अलग है, ठीक है ना? पर जब हम आपको ओरिएंट, जैसे मैं आपको बोलूं फॉर एग्जांपल अगेन, जैसे दो सेम टाइप के पेन देना बेटा, सेम टाइप के, या चलो छोड़ो 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 छोड़ो, एक सेकंड, एक पाम ही ले लेते हैं, ये पाम और ये पाम, आपको लग एक जैसे रहे, लग जैसे, पर ये एक जैसे हैं क्या? नहीं, एक जैसे हैं क्या दोनों? ये पाम, ये है पाम ही, एक जैसे लग रहे पर एक नहीं है। क्यों नहीं है भैया? ये लेफ्ट हैंड का पाम है, ये सॉरी ये राइट हैंड का पाम है, और ये लेफ्ट, तुम्हारे साइड से बोल रहा था, और ये बेटा लेफ्ट, मेरे लिए लेफ्ट हैंड का पाम है, यस और नो? ठीक है। तो अब ऐसा है कि नॉर्मली हमको तो एक जैसे दिख रहा है, क्या दिख रहा है? एक जैसे दिख रहा है। तो कई बार हम जो है ना, हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि दोनों सेम है कि दोनों अलग अलग है। लैक्टिक एसिड बेटा, ये लैक्टिक एसिड अगर ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है तो ये क्या है? लिवो रोटेटरी है। अगेन डेक्स्ट्रो और लिवो क्या है, जो नए बच्चे फिर से सुन लो, ये अगेन बेटा यहाँ पर अगर मैं लाइट पास कराता हूँ तो ये लाइट को अगर राइट एंगल पे रोटेट करता है तो इसको कहते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड। डेक्स्ट्रो का मतलब होता है बेटा, लैटिन वर्ड है कि जो लाइट को राइट एंगल पे क्या करे, डेविएट करे, रोटेट करे, तो ये डेक्स्ट्रो है। तो और ये क्या है बेटा? ये लिवो है। तो हम कई बार गलती कर सकते हैं, हम समझते हैं, हम ये समझ सकते हैं कि दोनों सेम है, या हम कई बार ऐसे भी बोल सकते हैं कि दोनों अलग अलग हैं। तो हम कैसे डिफ्रेंशिएट करें कि वो दोनों सेम है कि दोनों अलग अलग है? तो इसके लिए एक कॉन्फ़िगरेशन लिया गया है जिसका नाम है RS कॉन्फ़िगरेशन। और इस कॉन्फ़िगरेशन की हेल्प से हम क्या करेंगे, दो कंपाउंड जो आपस में स्टीरियो आइसोमेरिज्म रखते हैं, ठीक है ना, उनको हम चेक कर पाए कि दो स्टीरियो आइसोमेरिज्म जो कंपाउंड रखते हैं उनके बीच में क्या रिलेशन है, क्या वो आइडेंटिकल है या फिर क्या वो इनेंशियोमर्स हैं। सर इनेंशियोमर्स क्या होता है, आगे सीखेंगे भी ना आज ही, क्या वो इनेंशियोमर्स है या वो डाइस्टीरियोमर्स है। तो दो कंपाउंड जो आपस में स्टीरियो आइसोमर्स रखते हैं, दो कंपाउंड जो आपस में स्टीरियो आइसोमर्स रखते हैं उनके बीच में क्या रिलेशन है, उनके बीच में क्या रिलेशन है, इसको पता करने के लिए क्या वो सेम है या वो डिफरेंट है। डिफरेंट है तो कैसे डिफरेंट है, समझ पा रहे हो क्या? उनके बीच के इस रिश्ते को हमको क्या नाम देना चाहिए, ठीक है ना? क्या वो भाई बहन है कि भाई भाई है, क्या वो आइडेंटिकल है? आपने जैसे मूवी देखी होगी ना बेटा, कैसा जुड़वा मूवी देख लो, जुड़वा आपने सलमान की मूवी देखी है? सलमान की अभी अभी लेटेस्ट कौन किया था, कौन सा हीरो था,
क्या वरुण धवन, हाँ तो भाई नीचे करके क्यों बोल रहा है, तो वरुण धवन डबल रोल में था, डबल रोल में था, तो आप दोनों को अगल बगल रख दिए अगर दोनों को, ठीक है ना बेटा, तो आप समझ गए कि या नहीं ये अलग है ये अलग है, अभी पिक्चर के हिसाब से मूवी के हिसाब से देख रहे हैं दोनों अलग अलग है, एक का नाम राम एक का नाम श्याम है समझ लो, जैसा और नो, तो आपको समझ में आ रहा है कि यार ये राम है और ये श्याम है, लेकिन अगर उस एक मिनट के लिए मैं श्याम को हटा देता हूँ, राम को ही रखता हूँ, राम को रखा आपने, अब मैंने आपको बताया कि ये राम है, जैसा और नो, फिर मैं बोलता हूँ कि अब मैं श्याम को लाने जा रहा हूँ, मैं अभी श्याम को आपके सामने लाने जा रहा हूँ, फिर मैं क्या करता हूँ चुपचाप राम को ही श्याम बना के आपके सामने रख देता हूँ, आप क्या समझ रहे हो वो श्याम है पर एक्चुअली वो क्या था, राम था, यस और नो, तो आप कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे कि भैया पहले वाला राम था कि पहले वाला श्याम था, कि बाद वाला राम है कि बाद वाला श्याम है, समझ रहे हो क्या, एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे सुन लो मेरी बात, बहुत अच्छा एग्जांपल अभी दिमाग में आ गया, क्या आपको जैसे आयुष्मान योजना हो गया, या जैसे राशन कार्ड में अपन को मिलता है ना 5 किलो चावल 10 किलो चावल जो भी है, ठीक है ना, तो एक घर में दो भाई रहते हैं राम और श्याम, ठीक है, अब उनको गवर्नमेंट ने ये बोल के रखा है कि भैया तुमको ना हर एक बंदे को सबको मतलब जो है 5-5 किलो चावल राशन कार्ड से मिलेगा, ठीक है ना, दोनों राम और श्याम अलग अलग घर में रहते हैं मान लो, तो अब मैं क्या किया कि मैं राम हूँ समझ लो ना, मैं फॉर एग्जांपल मैं राम हूँ, मैं चला गया राशन वाले दुकान पे और अपना राशन कार्ड दिखाकर, ठीक है, मैंने 5 किलो चावल ले लिया, ठीक है ना, मैंने 5 किलो चावल ले लिया, तो राम ने 5 किलो चावल ले आया, अब राम को 5 किलो चावल मिल गया, अब उसको दोबारा 5 किलो चावल नहीं मिलेगा, मैंने देखा कि यार श्याम को इस बारे में नॉलेज ही नहीं है कि भी चावल मिल रहा है, मैं क्या करता हूँ श्याम बनकर, क्योंकि तो मैं तो हम तो क्या है डुप्लीकेट है, यस और नो, तो मैं श्याम बनकर मैं वापस चला जाता हूँ, फिर से 5 किलो चावल ले आता हूँ, मैं फिर से चला गया, सामने वाला सोचा कि अच्छा ये श्याम बन के आया है, मतलब श्याम आया है, ठीक है ना, अगेन उसने मुझे 5 किलो चावल फिर से दे दिए, मैंने उसको क्या किया सामने वाले को बेवकूफ़ बना दिया कि पहले राम था अब श्याम है, सामने वाले को समझ में आया क्या, नहीं आया, क्योंकि हम क्या थे जुड़े हुए थे, ठीक है ना, लेकिन पता चला बाद में कि शाम कुछ दिनों बाद शाम को जब नॉलेज हुआ वो वापस गया चावल लेने, तो बोलता है भाई तू तो पहले पिछली बार आया था तेरे को दे चुका हूँ, तो इस तरीके से क्या हो जाती है बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है, तो अब क्या हुआ, अब एक ऐसा समझ रहे हो ना प्रॉब्लम क्या हो रहा है, तो अब फाइनली गवर्नमेंट क्या करता है कि भैया ऐसा नहीं है कि आप जो है ना सिर्फ राशन कार्ड दिखा के ही काम कर लोगे, अब क्या करेंगे आपका फिंगरप्रिंट लेंगे, ठीक है ना, तो जब थंब का जो इम्प्रेशन होगा वो तो सबका अलग अलग ही होगा, यस और नो, तो अब जो होगा वो नाम देखकर नहीं होगा, अब सीधा हम क्या करेंगे कि जो भी चावल लेने आएगा वो थंब इम्प्रेशन देगा और उसके बाद भी चावल लेगा, तो अब राम थंब इम्प्रेशन देके 5 किलो चावल लिया, अब अगले बार वो शाम बनने की कोशिश करेगा, पर क्या थंब इम्प्रेशन डिफरेंट होगा क्या, नहीं, वो तो मैच कर जाएगा, सामने वाले पकड़ लेगा भैया तू तो राम ही है, फिर से बेकू बना रहा है, यस और नो, तो बस इसी चीज को कि वो जो दोनों जो थे राम और श्याम, ठीक है ना, क्या राम दो बार राम और श्याम बन के आ रहा था कि राम और श्याम अलग अलग है, तो दोनों के बीच में डिफरेंस क्रिएट करने के लिए दोनों सेम है कि दोनों अलग अलग है, इनके बीच का रिश्ता बताने के लिए एक कॉन्फिग्रेशन लाया गया है जिसका नाम क्या है RS कॉन्फिग्रेशन, मैं समझा पाया क्या, ये लैक्टिक एसिड और ये लैक्टिक एसिड दोनों सेम भी हो सकते हैं और दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं, मैं कैसे बताऊं कि दोनों सेम है और कौन दोनों डिफरेंट है, आप ये बोलना मत कि सर ऊपर नीचे है इसमें आगे ऊपर नीचे है, यस और नो, ऐसा नहीं, एक पर्टिकुलर तरीका होगा साइंटिफिक तरीका होगा कि उसको मैं देखकर बता पाऊंगा कि दोनों लैक्टिक एसिड सेम है कि दोनों लैक्टिक एसिड डिफरेंट है, आपने इसको देखकर बता दिया, देखना मैं आपसे पूछता हूं ना फिर से, अगर मैं ऐसे लिखता हूं CH3, हालांकि कोई तरीका नहीं है COOH, अब मुझे बताओ ये दोनों लैक्टिक एसिड सेम है कि अलग अलग है, कंफ्यूज हो रहा है ना, अभी हम कंफ्यूज हो रहे हैं ना, यहां पे तो हमने ऊपर नीचे कर दिया था, इसमें तो आगे पीछे भी कर दिया, अरे यस और नो, तो हम कंफ्यूज हो रहे हैं ना कि ये लैक्टिक एसिड ये लैक्टिक एसिड सेम है कि अलग अलग है, ये लैक्टिक एसिड ये लैक्टिक सेम है कि अलग अलग, ये तो आप लोग फिर भी थोड़ा सा आंसर कर रहे हो, इसमें आंसर करना मुश्किल हो रहा है ना, तो हम ऐसा कौन सा साइंटिफिक तरीका होगा जिससे हम बता पाए कि जो दो लैक्टिक एसिड है वो सेम है कि डिफरेंट है, क्लियर है क्या, तो इसी बात के लिए कॉन्फिग्रेशन लाया गया है जिसका नाम है RS कॉन्फिग्रेशन, तो चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्या बेटा RS कॉन्फिग्रेशन,
तो ये आरएस कॉन्फ़िगरेशन क्यों लाया गया, समझ में आया बेटा क्यों लाया गया? ये इसलिए लाया गया कि दो स्टीरियोमर्स जो हैं, ये हम बाद में लिखेंगे ना इसके आगे, पहले आरएस कॉन्फ़िगरेशन पढ़ते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसकी जरूरत क्या पड़ी, ठीक है ना। तो ये क्या बताता है कि दो स्टीरियो आइसोमर्स जो है उनके बीच में क्या रिलेशन है, क्या दोनों सेम है या दोनों अलग अलग है, और अलग अलग है तो क्या रिलेशन है, क्लियर है क्या? इन सबको बताने के लिए कौन सा कॉन्फ़िगरेशन आया, आर एस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है क्या। हम कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं ना तो उसका मकसद भी आपको पता होना चाहिए ना, ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ रहे हैं, क्लियर है क्या। चलिए तो अगर अब सुनो, तो अगर ये जो पाम है, मेरी बात सुनना, ये जो पाम है अगर मैं इसका कॉन्फ़िगरेशन निकालता हूँ, तो अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन अगर आर आ गया तो 100% इसका मिरर इमेज का क्या आएगा, एस आएगा, ठीक है ना। तो अगर एक का आर आ रहा है दूसरे का एस आ रहा है, आपने बता दिया कि भैया इसका कॉन्फ़िगरेशन अलग है इसका कॉन्फ़िगरेशन अलग, मतलब ये क्या है, डिफरेंट है, यस और नो। लेकिन अगर बेटा दो सेम टाइप के कलर पेन देना, हाँ थैंक यू। अगर अगेन बेटा ये भी फिर से आपको ये और ये बिल्कुल एक जैसा नजर आ रहा है, एक जैसे नजर आ रहे हैं ना, ठीक है ना। अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन आर है इसका कॉन्फ़िगरेशन एस है, अगेन आप बोलोगे कि अच्छा इसका अगर कॉन्फ़िगरेशन आर है और इसका एस, मतलब दोनों क्या है, अलग अलग है, यस और नो। लेकिन अगर इसका आर आ रहा है और इसका भी अगर आर आ रहा है, इसका मतलब क्या, ये दोनों सेम थे, ये दोनों आइडेंटिकल थे। अगर इसका एस आ रहा है इसका भी एस आ रहा है, मतलब ये दोनों क्या थे, सेम थे, ये आइडेंटिकल है, क्लियर बात। तो हमको बस हर मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन निकालना है कि ये जो है ये कौन सा कॉन्फ़िगरेशन रखता है, आर रखता है कि एस रखता है। तो हमको सबसे पहले ये सीखना है कि कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालना है, कि वो आर है कि एस है, ठीक है ना। ये कब निकालते हैं, जब दो मॉलिक्यूल आपस में स्टीरियो आइसोमर्स रखते हैं। अगर स्टीरियो आइसोमर्स नहीं तो पहले पता चल जाएगा, एक लैक्टिक है दूसरा टार्टरिक है, तो दिख ही जाएगा, फॉर्मूला ही चेंज हो गया, यस और नो, स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया। तो ये आरएस कॉन्फ़िगरेशन का जो यूज हम कब करते हैं, जब दो कंपाउंड जो आपस में क्या रखते हैं, स्टीरियो आइसोमर्स रखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या सीखते हैं बेटा, आरएस कॉन्फ़िगरेशन। तो क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग आरएस कॉन्फ़िगरेशन से। चलिए तो कहाँ गया मैडम, मार्कर किधर गया, अच्छा तो चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ, देन इसको नोट करेंगे, ठीक है ना। तो जैसे सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं, अगेन लैक्टिक एसिड का ही एग्जांपल लेते हैं बेटा, लैक्टिक एसिड। तो सबसे पहले इसका रिप्रेजेंटेशन हमको देखना है, तो मैं फिशर की मदद से एक रिप्रेजेंटेशन बना देता हूँ। फिशर प्लस होता है बेटा, पता है ना, ये कौन सी लाइन है वर्टिकल, ये कौन सी लाइन है हॉरिजॉन्टल, और थोड़ा आवाज तेज रखना ना भाई, ये वर्टिकल लाइन है और ये हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल लाइन का क्या मतलब होता है, अबव द प्लेन, मैंने आपको बोला था हाथ ऐसे रखना, यस और नो। हॉरिजॉन्टल का लाइन मतलब होता है अबव द प्लेन, और वर्टिकल लाइन का मतलब बिलो द प्लेन, क्लियर है ना। अभी मैं बेटा मेरी मर्जी है, मैं जो भी मॉलिक्यूल है ना उसको जहां पे भी रखूं, यहां पे एच ओ एच और ये सी डबल ओ एच, आपको समझ में आ गया, सी एच थ्री सी एच ओ एच सी डबल, ये एक लैक्टिक एसिड है, यस और नो। तो चलिए, तो ये लैक्टिक एसिड कौन सा कॉन्फ़िगरेशन रखता है, आर रखता है कि एस रखता है, इसके बारे में पहले मैं आपको वर्बल समझाता हूं और देन फिर एक एक करके हम नोट डाउन करेंगे, ठीक है क्या। तो सुनना ध्यान से, आरएस कॉन्फ़िगरेशन हमेशा किसी कायरल कार्बन के पीछे निकाला जाता है, मतलब उस किसी कायरल कार्बन के ऊपर ही निकालेंगे, यस और नो, ठीक है ना। किसी भी कार्बन पर नहीं, किस पर निकालते हैं, कायरल कार्बन के लिए निकालते हैं, क्लियर है क्या। कायरल कार्बन कौन, जिससे जुड़े हुए चारों ग्रुप क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। तो सुनना ध्यान से, सुनना पहले फिर नोट डाउन करेंगे, कि कायरल कार्बन से जुड़े हुए जो चारों जो ग्रुप होते हैं ना, कायरल कार्बन जुड़े हुए चारों जो ग्रुप है, इन चारों ग्रुप को एक रूल की मदद से हम प्रायोरिटी देते हैं। किसी को प्रायोरिटी नंबर वन देंगे, हायर प्रायोरिटी, किसी को प्रायोरिटी टू देंगे, किसी को प्रायोरिटी थ्री देंगे, किसी को प्रायोरिटी फोर देंगे, समझ पा रहे क्या, मतलब उसके प्रायोरिटी ऑर्डर में अरेंज करते हैं कि इन चारों में से कौन सबसे ज्यादा हायर है और उसके बाद फिर कौन सा है, मतलब नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री और नंबर फोर, ठीक है ना। तो वो कौन सा रूल होता है, वो होता है सी आई पी रूल। तो एक रूल मैं आपको लिखाऊंगा, उस रूल की मदद से, उस रूल की मदद से कायरल कार्बन जुड़े हुए जो चारों ग्रुप है उनको हम क्या देंगे बेटा, प्रायोरिटी देंगे, क्लियर है क्या। तो फॉर एग्जाम्पल उस रूल की मदद से मैंने इसको दे दिया प्रायोरिटी, जैसे मैंने इसको दे दिया नंबर वन, ये OH है ना, दिख तो रहा है ना OH, ये OH है। तो सुनो बेटा ध्यान से ना, तो अभी मैं वो रूल आपको लिखाऊंगा, लेकिन मैं पहले रूल की मदद से जो नंबरिंग कर रहा हूँ वो पहले बता देता हूँ। इसको नंबर वन मिलेगा, इसको नंबर
2 मिलेगा, इसको नंबर 3 मिलेगा, इसको नंबर 4 मिलेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक रूल होगा सीआईपी रूल, जिसकी मदद से हम किसी कैरल कार्बन जुड़े हुए जो चारों जो ग्रुप होंगे उसको हम क्या देंगे, नंबरिंग देंगे, ठीक है ना। नंबरिंग देने के बाद हम चेक करेंगे, ठीक है ना, सॉरी नंबरिंग देने के बाद पहले एरो पुट करेंगे। नंबरिंग देने के बाद क्या करेंगे, एरो पुट करेंगे। और एरो कैसे पुट करेंगे, एरो पुट करेंगे नंबर 1 से नंबर 2 और नंबर 2 से नंबर 3, मतलब 4 को भूल जाना है, 4 को हाइड कर देना है, छिपा देना है, कहीं पे भी हो एरो पुट करेंगे 1 से 2 एंड 2 से 3, लाइक ऐसा, ठीक है ना बेटा। नंबर 4 को आप हाइड कर दो, नंबर 4 हाइड करके 1 से 2 ही जाना है और 2 से 3 ही जाना है। मतलब अगर गलती से आपको ऐसा मिल गया, ये 1 है, ये 4 है, ये 2 है, ये 3 है, सुन लो ना बेटा पहले ध्यान से, ठीक है ना। तो ये 1, ये 4, ये 2, 3 है, तो आपको क्या करना है, नंबर 4 को हाइड कर जाना है, 1 से सीधा 2 जाना है और 2 से 3 जाना है, मतलब ऐसे जाना है। अब गलती से भी 1, 3, 2 मत चले जाना, बात समझा पा रहा हूँ क्या, 1 से 2 एंड 2 से 3, नंबर 4 बीच में आ भी जाए अब उसको हाइड कर दो, नेग्लेक्ट कर दो, क्लियर है क्या। तो चलिए सबसे पहला क्या करेंगे, नंबरिंग करना है, सबसे पहले नंबरिंग करना है अकॉर्डिंग टू सीआईपी रूल, फिर हमको एरो पुट करना है 1 से 2 एंड 2 से 3। एरो पुट करने के बाद, अब सुनो, एरो पुट करने के बाद हमको चेक करना है कि नंबर जो 4 है, नंबर 4 वो कौन से लाइन में है, क्या वो हॉरिजॉन्टल, क्या वो वर्टिकल लाइन में है या वो हॉरिजॉन्टल लाइन में है। अगर नंबर 4 वर्टिकल लाइन में है तो जनरल केस अप्लाई करेंगे, नंबर 4 अगर वर्टिकल लाइन में है तो जनरल केस अप्लाई करेंगे। सर जनरल केस क्या है, तो जनरल केस ये है कि अगर आपको एरो क्लॉकवाइज रोटेट करता हुआ दिखाई दे, तो क्लॉकवाइज का मतलब होता है, क्लॉकवाइज जो लिया गया है ना बेटा, ये किससे आया है, रेक्टस, रेक्टस का मतलब होता है क्लॉकवाइज, तो रेक्टस लिया गया है आर। अगर एरो क्लॉकवाइज रोटेट करता हुआ अगर दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, तो हम बोलेंगे कि इसका कॉन्फिगरेशन आर है। क्लॉकवाइज के लिए क्या सिंबल देते हैं बेटा, आर, आर रेक्टस से लिया गया है, ठीक है क्या। अगर एरो हमको एंटी क्लॉकवाइज घूमता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, तो ये सिनिस्टर से आता है और सिनिस्टर की वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, एस, आर एस, आर आया रेक्टस से, एस आया सिनिस्टर से, समझ पा रहे हो क्या। तो क्लॉकवाइज के लिए हम बोलते हैं आर, एंटी क्लॉकवाइज के लिए हम लोग बोलते हैं क्या, एस। तो ये कब, हम फिर से सुन लो बेटा, लिखना कुछ नहीं है ना, सब हर एक चीज लिखाऊंगा, पहले दिमाग में उसको डलने दो, फिर जब हम लिखेंगे तो वो रिवाइज होगा और फिर आप अच्छे से लिखना, ठीक है। मैंने क्या बोला, पहले हमने नंबरिंग अलॉट कर दिया अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी रूल सीआईपी रूल 1 2 3 4, फिर हमने क्या किया, एरो पुट किया, एरो कैसे पुट किया, हमने नंबर 4 को हाइड किया और 1 से 2, 2 से 3, जैसे हमने एरो पुट किया, एरो पुट करने के बाद हम नंबर 4 को देखेंगे, अभी जिसको हाइड किया था उसको हम देखेंगे कि वो वर्टिकल लाइन में है कि हॉरिजॉन्टल लाइन में है, ठीक है ना। वर्टिकल लाइन मतलब चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, ठीक है ना। अगर नंबर 4 वर्टिकल लाइन में है तो जनरल केस, जनरल मतलब जो है वही केस, जो है क्या, क्लॉकवाइज के लिए हम आर बोलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज के लिए एस बोलेंगे, ठीक है ना। अगर नंबर 4 वर्टिकल लाइन में नहीं मिला, कहां मिला, हॉरिजॉन्टल लाइन में, चाहे राइट में चाहे लेफ्ट में, तब हम क्या करेंगे, जनरल केस को रिवर्स कर देंगे, ठीक है ना। मतलब जो आंसर जनरल केस से आ रहा था उसका उल्टा आंसर हम देंगे, मतलब क्या कि अगर नंबर 4, नंबर 4 यहां ना होके यहां पे आया, तो अगर हमको एरो क्लॉकवाइज दिख रहा है तो क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है, आर, तो आर को रिवर्स कर देंगे, आ जाएगा एस, आर का होता है रिवर्स एस, एस का रिवर्स होता है आर, क्लियर है क्या। तो जो हमको क्लॉकवाइज नजर आ रहा था, ठीक है ना बेटा, तो क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है, आर, तो आर को रिवर्स कर देंगे एस, तो कॉन्फिगरेशन क्या निकल जाएगा, एस, क्लियर है क्या। अगर अगेन नंबर 4 हॉरिजॉन्टल लाइन में दिखता है और हमको दिख रहा है एंटी क्लॉकवाइज, एरो क्या दिख रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है, एस, तो एस को रिवर्स कर देंगे आर, क्लियर है क्या। लास्ट लाइन फिर से बोल रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं, नंबर 4 हमको चेक करना है कि कहां है, वर्टिकल लाइन में है कि हॉरिजॉन्टल लाइन में है। अगर वर्टिकल लाइन में है तो अप्लाई जनरल केस, जनरल केस क्या, क्लॉकवाइज मतलब आर, एंटी क्लॉकवाइज मतलब एस, ठीक है ना। तो नंबर 4 अगर वर्टिकल लाइन में तो अप्लाई जनरल केस, और अगर नंबर 4 हॉरिजॉन्टल लाइन में है अप्लाई रिवर्स द आंसर,
समझ पा रहे हो क्या? जो भी आंसर जनरल केस में आता था उसी को हम क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। तो जो आर दिख रहा था वो हो जाएगा एस, जो एस दिख रहा था वो हो जाएगा आर। क्लियर है क्या बेटा? तो थोड़ी चीजें आपके दिमाग में गई, अब एक एक करके हम लिखेंगे तो चीजें अच्छे से याद हो जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास क्लास इसको हमको याद कर लेना है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बेटा। तो सुनो मेरी बात, तो पहले तो इसका आंसर हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है ना, और देन फिर हम इसके रूल्स अपन लिखना शुरू करेंगे, ठीक है बेटा। चलिए तो सबसे पहले हाँ, प्रायोरिटी कैसे दिए वही लिखाऊंगा, रुकना, प्रायोरिटी हम कैसे दिए वही लिखाऊंगा। तो सबसे पहले हमने प्रायोरिटी दे दिया इसको नंबर वन, कैसे दिया बताऊंगा आगे। इसको हमने वन दे दिया, इसको हमने टू दे दिया, इसको हमने थ्री दे दिया, इसको नंबर फोर दे दिया। तो अभी मेरे पे थोड़ा सा भरोसा करके आप प्रायोरिटी आप एक्सेप्ट कर लो, क्लियर है क्या? तो हमने वन टू थ्री दे दिया, वन टू थ्री फोर दे दिया। तो नंबरिंग अब हम लोग वन टू थ्री देने के बाद हम क्या करेंगे, एरो पुट करेंगे, एरो वन से टू, टू से थ्री पुट कर लिया एरो। फिर हम क्या चेक करेंगे कि नंबर फोर कहाँ है, वर्टिकल में है कि हॉरिजॉन्टल में। नंबर फोर कहाँ पे है, वर्टिकल में है, यस और नो। तो कौन सा केस, जनरल केस। तो मुझे बताओ बेटा जनरल केस क्या, ये कौन सा दिख रहा है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज मतलब क्या, आर। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, आर। तो ये इसका आंसर है, ठीक है बेटा। चलिए स्टार्ट करते हैं, ये पहले इतना लिख लो, एग्जांपल ही लिखना बस। चलो बेटा सबसे पहले आप लोग ना, जो हमने प्रायोरिटी दिया ना, इसका जो रूल है वो कौन सा रूल है, सीआईपी रूल, ठीक है ना। तो सबसे पहले प्रायोरिटी रूल लिखना, प्रायोरिटी रूल, जिसे हम लोग वो कौन सा रूल होता है, वो रूल है कौन सा रूल, CIP रूल। ये CIP जो रूल है ना, ये एक हाइपोथेटिकल रूल है कि हमको कॉन्फ़िगरेशन निकालना है कि वो R है कि S है। इसके लिए तीन साइंटिस्ट, C जो है बेटा ये आया कौन से, एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था कॉन फ्रॉम द एपिग्लॉटिस, कॉन। एक था इनगोल्ड और एक था प्रीलॉग, ये तीन साइंटिस्ट थे। नाम याद रखने की जरूरत आपको नहीं है, आपको CIP ध्यान रखना है। तो कॉन, इनगोल्ड और प्रीलॉग, ये तीन साइंटिस्ट थे, प्रीलॉग ये तीन साइंटिस्ट थे। ये तीनों साइंटिस्ट की आपस में मिलकर एक रूल बनाया, प्रायोरिटी रूल, ठीक है ना, जिसको नाम दिया क्या, CIP रूल। बेटा ये नाम आप नहीं भी याद रखें, नहीं याद रखना है, मैंने लिख दिया भले ही, यस और नो। तो इसने एक प्रायोरिटी रूल दिया जिसका नाम क्या था, CIP रूल। ये CIP रूल क्या कहता है, सुनना, ये CIP रूल क्या कहता है कि फर्स्ट आपको हमेशा क्या देखना है, जो भी ग्रुप जुड़े हुए हैं उनका फर्स्ट एटम देखना है। फर्स्ट एटम किसको बोलेंगे, जो वो कैरल कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा होगा, समझ रहे हो क्या बेटा। मुझे बताओ OH में फर्स्ट एटम कौन सा है, ऑक्सीजन, क्योंकि इस कार्बन से जो जुड़ा हुआ फर्स्ट एटम वो कौन सा है, ऑक्सीजन, यस और नो। तो OH में पहला एटम कौन है, ऑक्सीजन। इधर से अगर मैं बोलूँ पहला एटम कौन सा है, कार्बन, आप इसको ओपन करके भी आप देख सकते हो, ओपन करोगे ये सी डबल बॉन्ड ओ OH ऐसा नजर आएगा बेटा, यस और नो। तो इस कार्बन जुड़ा हुआ है पहला एटम कौन सा है, कार्बन। इधर से पहला एटम कौन सा है, हाइड्रोजन की कार्बन, कार्बन ही है भैया। ये CH3, ये CH3 हम ऐसे लिख रहे हैं पर एक्चुअल में ये ऐसा है, इस कार्बन से तीन हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, यस और नो। और इधर से पहला एटम कौन सा है, हाइड्रोजन। तो सुनो, कायरल कार्बन से जुड़े हुए जो पहला एटम है उसका हमको देखना होता है एटॉमिक नंबर, क्या देखना होता है, एटॉमिक नंबर, ठीक है ना। तो जिसका एटॉमिक नंबर जितना ज्यादा होगा उसकी प्रायोरिटी उतनी ज्यादा होगी। तो मुझे बताओ बेटा, इधर से ऑक्सीजन है, इधर से कार्बन है, ये भी कार्बन है और ये
हाइड्रोजन है, तो सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर कौन सा है? ऑक्सीजन का। तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको मिलेगा? ऑक्सीजन का। तो पहला जो रूल है वो क्या है कि प्रायोरिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर ऑफ फर्स्ट एटम विच इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद क्या बेटा? काइरल कार्बन। ठीक है ना, तो शॉर्ट में लिखते हैं, समझ में आ जाएगा। प्रायोरिटी, पहला रूल दिया प्रायोरिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर, यस और नो, ऑफ फर्स्ट एटम। देखेंगे रूल नंबर वन, रूल नंबर वन, प्रायोरिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मैं लिखते जा रहा हूं, चलो ये बातें समझ में आ रहा है बेटा। तो रूल नंबर वन क्या बोलता है, तो प्रायोरिटी जो है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर ऑफ फर्स्ट एटम। बेटा फर्स्ट एटम को अगेन समझाने की जरूरत तो नहीं है ना, फर्स्ट एटम कैसे बन देख रहे हैं, जो काइरल कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है उस साइड से फर्स्ट एटम, क्लियर है क्या? तो प्रायोरिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर ऑफ फर्स्ट एटम, ठीक है ना। रूल नंबर टू, तो यहां से तो हमको बेटा इन सब में नंबर वन समझ में आ गया कि सर प्रायोरिटी में ये नंबर वन है, यस और नो। सर अब नंबर टू कैसे डिसाइड करें, क्यों? क्योंकि सर इसके बाद अगर देख रहे हैं तो इधर से ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, मतलब इन दोनों का पहला एटम क्या है? कॉमन है, कार्बन है, अरे यस और नो। तो जब भी, ठीक है ना, दो एटम जिसका एटॉमिक नंबर क्या मिले? सेम मिले, मतलब फर्स्ट एटम कॉमन मिले, तब हम क्या करें? तब सेकेंड एटम को देखें, ठीक है ना, कि इसका सेकेंड एटम का एटॉमिक नंबर, इसका सेकेंड एटम का एटॉमिक नंबर, क्लियर है क्या? तो उससे कंपेयर करें, यस और नो, ठीक है। तो चलिए, तो लिखेंगे बेटा इफ फर्स्ट एटम, पॉइंट नंबर टू लिखेंगे, इफ फर्स्ट एटम इज कॉमन, ये एक हाइपोथेटिकल रूल था ना, इफ फर्स्ट एटम इज कॉमन देन गो फॉर सेकेंड और थर्ड, और थर्ड का मतलब क्या बेटा, कभी सेकेंड एटम भी कॉमन निकल गया तब हम क्या जाएंगे? थर्ड में। इफ फर्स्ट एटम इज कॉमन देन गो फॉर सेकेंड और थर्ड, ठीक है ना, टिल द फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, तब तक जाएंगे जब तक डिफरेंस नहीं मिल जाता, क्लियर है बेटा? चलो तो सुनना मेरी बात, तो यहां पर अगेन बेटा इस क्वेश्चन से फिर से हम समझते हैं कि सर क्या हुआ, कि देखो यहां पर बेटा फिर से ध्यान से सुनना ना, पहला एटम दोनों का कार्बन था, पहला एटम दोनों का कार्बन था, सेकेंड एटम इसमें क्या है? हाइड्रोजन है, यस और नो। इसमें सेकेंड एटम क्या है? ऑक्सीजन है, बस इतने सही, लेकिन सब कुछ नहीं हो जाता ना, अभी इस क्वेश्चन में तो हो जाएगा। इसमें सेकेंड हाइड्रोजन है, इसमें क्या है बेटा? ऑक्सीजन है, तो किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है? ऑक्सीजन की। तो बेटा नंबर टू ये हो जाएगा, फिर नंबर थ्री ये, फिर नंबर फोर ये, यस और नो। लेकिन कई बार इतने से भी हम प्रायोरिटी नहीं दे पाते, हमको रूल नंबर थ्री भी पता होना चाहिए। अब रूल नंबर थ्री क्या है फिर से सुनना, अगर फर्स्ट एटम, अगेन मैं इसको अच्छे से लिख देता हूँ COOH को, अगर फर्स्ट एटम और सेकंड एटम के बीच में मल्टीपल बॉन्ड है, देखो बेटा यहां पर ये कार्बन फर्स्ट एटम है और ऑक्सीजन क्या है? सेकंड एटम। इधर भी ये भी ऑक्सीजन सेकंड एटम है, ये ऑक्सीजन इसके साथ सिंगल बॉन्ड जुड़ा हुआ है और ये ऑक्सीजन इसके साथ डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है। तो अगर फर्स्ट एटम सेकेंड एटम से मल्टीपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, मल्टीपल बॉन्ड मतलब या तो डबल बॉन्ड या तो ट्रिपल बॉन्ड, तो तब हम लोग हाइपोथेटिकली ये कंसिडर करेंगे, हाइपोथेटिकली ना, अगेन इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, हाइपोथेटिकली ये कंसिडर करेंगे कि फर्स्ट एटम उतनी बार, मतलब अगर डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है तो दो बार सेकेंड एटम से सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होगा। बात समझ पा रहा हूं क्या? अगर ये ट्रिपल बॉन्ड से अगर जुड़ा होता तो फर्स्ट एटम सेकेंड एटम से तीन बार सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होगा, ये हम कंसिडर करेंगे। डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है, हम बोलेंगे कि फर्स्ट एटम सेकेंड एटम से दो बार सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होगा, यस और नो। मतलब कि इसको हाइपोथेटिकली हम ये कंसिडर करेंगे, ठीक है ना, कि फर्स्ट एटम कौन सा है? कार्बन,
ये कार्बन है, ये कार्बन। सेकेंड नंबर कौन सा बेटा? ऑक्सीजन। अब इस ऑक्सीजन के साथ किससे जुड़ा हुआ है? डबल बॉन्ड से। तो मैं क्या मानूंगा, ये कार्बन इस ऑक्सीजन से दो बार सिंगल बॉन्ड जुड़ा होगा, तो मुझे दो बार ऑक्सीजन ऐसे लिखना पड़ेगा। ये सर नो। और ये वाला तो बेटा सिंगल बॉन्ड से ही है, तो आप इसको ऐसे कर दो। बात समझा पा रहा हूं क्या? ठीक है, ठीक है। तो चलो, तो लिखेंगे रूल नंबर 3। इफ फर्स्ट एटम is attached with second atom through multiple bond, then hypothetically we consider as first atom joined with second atom क्या बेटा? सेकेंड एटम। क्या लिखा? फर्स्ट एटम। इफ फर्स्ट एटम इज अटैच्ड विद सेकेंड एटम थ्रू मल्टीपल बॉन्ड, देन हाइपोथेटिकली वी कंसीडर एज फर्स्ट एटम ज्वाइंड विद सेकेंड एटम इन मल्टीपल टाइम्स। फर्स्ट एटम ज्वाइंट विथ सेकेंड एटम इन मल्टीपल टाइम्स, ठीक है बेटा, विथ सिंगल बॉन्ड। अगर मल्टीपल बॉन्ड जुड़ा हुआ है तो मल्टीपल टाइम क्या होगा? वो सिंगल बॉन्ड जुड़ा होगा। मतलब अगर डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है तो दो बार सिंगल बॉन्ड जुड़ा होगा, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो तीन बार। तो बेटा एग्जाम्पल की फॉर्म में इसको लिखो फिर से, ऐसा मैं जैसा लिख रहा हूँ बेटा, जैसे अगेन सी डबल ओ एच को लिख लो, ये सी डबल ओ एच है, तो आप इसको हाइपोथेटिकली कैसे लिखोगे? ठीक है, कि ये कार्बन जो है, अगेन ये फर्स्ट एटम है, ये ऑक्सीजन के साथ, अगर ये मल्टीपल बॉन्ड जुड़ा हुआ है तो मल्टीपल टाइम्स क्या होगा? सिंगल बॉन्ड जुड़ा होगा। सॉरी नो, तो ये मेरी बात समझ पा रही है बेटा? ये कार्बन इस ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है, तो डबल बॉन्ड मतलब ये कार्बन इस ऑक्सीजन से दो बार सिंगल बॉन्ड से जुड़ेगा, तो ये एक बार और एक दो बार। यस और नो? ठीक है ना, ये अगेन ओ एच, ये जैसा का वैसा। यस और नो? तो एक एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया। एक एग्जाम्पल और लिख लो, ठीक है ना, जैसे अगर मैं बोलूं बेटा, अगर ये C ट्रिपल बॉन्ड N है तो इसका क्या मतलब होगा? क्या बेटा? कि ये जो कार्बन है वो नाइट्रोजन से तीन बार, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है, तीन बार सिंगल बॉन्ड से जुड़ेगा। ठीक है क्या? चलो ठीक है, हो गया ये चीज, आगे बढ़ूं क्या?
चलो, और अगर रूल नंबर फोर्थ है कि अगर दो एटम का एटॉमिक नंबर सेम है, दो एटम का एटॉमिक नंबर सेम है, तब हम क्या करें? जैसे आइसोटोप जानते हैं ना आप लोगों ने, 11th पढ़ रखा होगा, आइसोटोप्स का मतलब क्या होता है? जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो। तो इन केस कि दो एटम का एटॉमिक नंबर अगर सेम निकल गया, तब हम देखेंगे एटॉमिक मास, जिसका एटॉमिक मास ज्यादा हो, जो ज्यादा हैवियर होगा, जिसका वेट ज्यादा होगा, ठीक है ना बेटा, वो सीनियर हो जाएगा, मतलब उसकी प्रायोरिटी ज्यादा हो जाएगी। तो लिखेंगे नंबर, रूल नंबर फोर, इन केस ऑफ क्या बेटा, आइसोटोप्स। आइसोटोप्स का मतलब क्या होता है? ब्रैकेट में लिख लेना बेटा, हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, ब्रैकेट में लिख लेना क्या, जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, सेम होता है, हैविंग सेम एटॉमिक नंबर। तो इन केस ऑफ आइसोटोप्स, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, हैवियर वन इज सीनियर, मतलब क्या, तब हम प्रायोरिटी कैसे देखेंगे, जिसका एटॉमिक मास ज्यादा होगा। इन केस ऑफ आइसोटोप्स हैवियर वन इज सीनियर या मोर प्रायर, क्लियर है क्या? चलिए, मतलब फॉर एग्जांपल जैसे ये कार्बन है बेटा, इसमें एक H है और एक D है, ठीक है ना, और एक T है बेटा। ये H क्या है? हाइड्रोजन, इसको प्रोटियम कहते हैं। ये ड्यूटेरियम है और ये ट्रिटियम है। बट आप लोगों को पता होगा कि प्रोटियम, हाइड्रोजन जो है प्रोटियम, इसका एटॉमिक नंबर वन होता है, ड्यूटेरियम का भी एटॉमिक नंबर वन होता है, और ट्रिटियम इसका भी एटॉमिक नंबर वन होता है, लेकिन इसके एटॉमिक मास में डिफरेंस होता है। इसका एटॉमिक मास वन, इसका एटॉमिक मास टू, इसका एटॉमिक मास थ्री। तो अगर मैं H, D और T दे दिया, ठीक है ना, जिनका एटॉमिक नंबर सेम आइसोटोप्स हैं, तब यहाँ पर मैं कैसे करूंगा, प्रायोरिटी मैं कैसे दूंगा बेटा? अगर इन तीनों में अगर देना है, तो इन तीनों में अगर मुझे देना है, तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी कौन हो जाएगा? T, देन D, देन H। ये नंबर वन हो जाएगा, ये नंबर टू हो जाएगा, ये नंबर थ्री हो जाएगा। मैं समझा पा रहा हूँ क्या? Yes. बस ये हो गया आपका CIP रूल। तो बेटा ये CIP रूल आप एक बार पढ़ो, आपके दिमाग में बस जाना चाहिए, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहला क्या था, ये CIP रूल का रूल नंबर वन क्या था बेटा? प्रायोरिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर ऑफ फर्स्ट एटम, क्लियर है क्या? रूल नंबर टू क्या था? अगर फर्स्ट एटम कॉमन निकला, तो हम क्या, किसको देखेंगे? सेकेंड एटम को देखेंगे। और रूल नंबर थ्री था कि फर्स्ट एटम और सेकेंड एटम के बीच में मल्टीपल बॉन्ड है, तो जो भी मल्टीपल बॉन्ड होगा, अगर वो डबल बॉन्ड है, इसका क्या मतलब है कि फर्स्ट एटम सेकेंड एटम से दो बार जुड़ेगा, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो तीन बार जुड़ेगा, लेकिन किससे? सिंगल बॉन्ड से। समझा पा रहा हूं क्या मैं? चलिए, तो ये हो गया CIP रूल, ठीक है। अब बेटा CIP रूल के बाद अब हम लोग RS कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालना है, जो हमने जो पढ़ रखा है उसको नोट डाउन करते हैं, ठीक है ना। तो उसको लाइन से उसको बेटा कंप्लीट कर देना। अब और RS कॉन्फ़िगरेशन बेटा लिखना, फॉर RS कॉन्फ़िगरेशन फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, फॉर RS कॉन्फ़िगरेशन फॉर RS कॉन्फ़िगरेशन बेटा नीचे लिखना assign प्रायोरिटी, स्टार मार्क करना, assign प्रायोरिटी to all four different groups attached with chiral carbon. Assign priority to all four different group attached with क्या बेटा? Chiral carbon. Assign priority to all four different group attached with क्या बेटा? काइरल कार्बन। तो जो काइरल कार्बन जुड़े हुए, जो चारों जो डिफरेंट ग्रुप थे, उसको हम लोग क्या करेंगे? प्रायोरिटी असाइन करेंगे, असाइन प्रायोरिटी। अच्छा एक बेटा के किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू CIP रूल, ब्रैकेट में लिख लेना, ब्रैकेट में लिख लेना नीचे, अकॉर्डिंग टू CIP रूल, अकॉर्डिंग टू CIP रूल, ठीक है क्या? तो CIP रूल के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, प्रायोरिटी असाइन करेंगे चारों डिफरेंट ग्रुप को, क्लियर है क्या? नाउ
नंबर टू नेक्स्ट लिखेंगे नाउ पुट एरो, नाउ पुट एरो, अब क्या करेंगे एरो पुट करेंगे, पुट एरो फ्रॉम फ्रॉम वन टू टू एंड टू टू थ्री, जैसे लिख रहा हूं बेटा वैसे लिखना, नाउ पुट एरो फ्रॉम वन से टू एंड टू से थ्री, क्लियर है क्या? अब एरो पुट करेंगे एक से दो और दो से तीन, प्लीज ध्यान रखेंगे अगर नंबर फोर बीच में आ जाए तो आप उसे नेगलेक्ट करेंगे, समझ में आ रहा है क्या बेटा? सर बीच में नंबर फोर आ गया आप कैसे करें, ये नहीं, क्लियर है? ठीक है, तो एरो पुट करने के बाद अब देखेंगे बेटा, एरो पुट कर लिया अब क्या करेंगे मुझे बताओ, अब चेक करेंगे कि नंबर फोर कहाँ है, नंबर फोर वर्टिकल लाइन में है कि हॉरिजॉन्टल लाइन में है? बेटा मुझे एक बार फिर से बताना यार, वर्टिकल लाइन का क्या मतलब होता है? बिलो द प्लेन, वर्टिकल लाइन का मतलब क्या होता है? बिलो द प्लेन, और हॉरिजॉन्टल लाइन का क्या मतलब होता है? अबाउट द प्लेन, इसको भी ध्यान रखना क्योंकि वेज डैश मेथड में आरएस कॉन्फिगरेशन निकालने के लिए बिलो द प्लेन अबाउट द प्लेन ये वर्ड काम आएगा, समझ में आ रहा है क्या? बिल्कुल सेम रहेगा पर अभी कम से कम वर्टिकल लाइन का मतलब तो दिमाग में है ना बेटा, लिखेंगे नेक्स्ट, नाउ चेक नंबर फोर, नाउ चेक बेटा नेक्स्ट, नाउ चेक नंबर फोर, नाउ चेक नंबर फोर, ठीक है बेटा, देन नीचे लिखना अगेन, चेक नंबर फोर हो गया, ए कर लेना ए करके, इफ नंबर फोर, नाउ चेक नंबर फोर, इफ नंबर फोर इज प्रेजेंट, इफ नंबर फोर इज प्रेजेंट ऑन वर्टिकल लाइन, इफ नंबर फोर इज प्रेजेंट ऑन वर्टिकल लाइन, ठीक है ना बेटा, ब्रैकेट में लिखना, वर्टिकल लाइन का क्या मतलब होता है? बिलो द प्लेन, इफ नंबर फोर इज प्रेजेंट ऑन वर्टिकल लाइन, ब्रैकेट में लिखना बिलो द प्लेन, ठीक है ब्रैकेट क्लोज, आगे लिखना देन अप्लाई जनरल केस, देन अप्लाई जनरल केस, बेटा हम लोग आगे लिखेंगे जनरल केस क्या होता है, ठीक है ना, इसी लिखना, देन अप्लाई जनरल केस, बेटा जनरल केस को इन्वर्टेड कॉमा में रखेंगे, जनरल केस क्लियर है क्या? उसको अंडरलाइन भी कर देंगे, देन अप्लाई जनरल केस, क्लियर है? और बी लिखेंगे इफ नंबर फोर इज ऑन हॉरिजॉन्टल लाइन, इफ नंबर फोर इज ऑन क्या बेटा, हॉरिजॉन्टल लाइन, देन अप्लाई, देन अप्लाई, देन अप्लाई रिवर्स द आंसर, बेटा जैसे लिखा वैसे लिखना, देन अप्लाई रिवर्स द आंसर, रिवर्स द आंसर, देन अप्लाई रिवर्स द आंसर, ठीक है, देन अप्लाई रिवर्स द आंसर, बस इतना हो गया। अब हम लोग जनरल केस क्या है और रिवर्स द आंसर क्या है इसको अलग से, ठीक है ना बेटा, बॉक्स में अपन नोट कर लेते हैं अलग से, इतना लिख लिया क्या? तो बेटा सुनो मेरी बात, इतना लिख लिया था ना, तो एक साइड लिखेंगे, पहले जैसे लिख रहा हूँ वैसे लिखना, जनरल केस लिखेंगे ना, जनरल केस, तो जनरल केस क्या होता है, तो जनरल केस क्या बेटा, आपको देखना है किसको, एरो को, किसको देखना होता है, एरो, तो अगर एरो जो है वो क्या है बेटा, क्लॉकवाइज है, हम लिखते चलेंगे ना, ये कौन सा एरो है बेटा, क्लॉकवाइज आपको आता है ना, किसको बोलते हैं क्लॉकवाइज, तो एरो क्या दिख रहा है आपको, क्लॉकवाइज, तो जनरल केस क्या है, अगर क्लॉकवाइज एरो है, क्लॉकवाइज एरो है, तो क्लॉकवाइज एरो के लिए हम लोग बोलते हैं आर, क्लॉकवाइज एरो के लिए क्या बेटा, आर, ये पहला, और दूसरा क्या बेटा, अगर एंटी क्लॉकवाइज एरो है, ये एरो एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज एरो अगर है तो एंटी क्लॉकवाइज एरो के लिए हम क्या बोलते हैं, एस, तो ये है आपका जनरल केस, ठीक है, इसको बॉक्स में बंद कर दो भैया, ये है आपका
जनरल केस, ठीक है ना। और एक केस कौन सा था, रिवर्स द आंसर, यस और नो, इसको नोट करें जल्दी से फास्ट, बॉक्स में नहीं भी बंद करो तो चल जाएगा। हालांकि हो गया क्या, आगे बढ़ूं क्या बेटा? रिवर्स द आंसर, तो ये क्या, तो बेटा अगेन इसके लिए ध्यान रखना कि अगर क्लॉकवाइज है, अगर क्लॉकवाइज है जैसे लिख रहा हूं वैसे लिखना ना, क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज के लिए अपन क्या बोलते हैं बेटा, आर बोलते हैं, क्लॉकवाइज एरो, एरो को हम क्या बोलते हैं, आर। तो आप भी आर ही लिखना, आर आर लिखना, लेकिन इसी में अप्लाई करेंगे क्या, रिवर्स। तो इसको मैं डिफरेंट कलर ले लेता हूं बेटा, तो इसी को क्या करना है, रिवर्स, इसी को क्या करना है बेटा, रिवर्स। तो आर रिवर्स हो जाएगा किसमें, एस में, मतलब फाइनली आंसर अब क्या हो जाएगा, एस, यस और नो, ठीक है। और अगर एंटी क्लॉकवाइज एरो है, एंटी क्लॉकवाइज अगर एरो है, तो एंटी क्लॉकवाइज एरो का मतलब क्या होता है बेटा, आप लोग तो रट्टा मार लो, क्लॉकवाइज मतलब आर, एंटी क्लॉकवाइज मतलब एस, पहले तो क्लॉकवाइज मतलब आर, एंटी क्लॉकवाइज मतलब एस, क्लॉकवाइज मतलब आर, एंटी क्लॉकवाइज मतलब एस। तो जो हम जानते हैं वही जनरल केस है, रिवर्स द आंसर क्या हो जाएगा, जो आर है उसको रिवर्स कर दो एस बन जाएगा, जो एस है उसको रिवर्स कर दो आर बन जाएगा। तो एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है एस, अप्लाई करना क्या है, रिवर्स द आंसर, यस और नो। तो इसको क्या कर दो, रिवर्स कर दो, इसको क्या कर दो बेटा, रिवर्स। तो रिवर्स करोगे तो एस रिवर्स होगा, क्या बन जाएगा, आर। तो आंसर लिख लो आर, तो ये आंसर। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, इसको भी अगर उसको बॉक्स में बंद किया तो इसको भी बॉक्स में बंद कर लेना, ठीक है। तो बेटा बस छोटी सी बात है, सीआईपी रूल के अकॉर्डिंग आप क्या कर दो, चारों जो डिफरेंट ग्रुप है उसको प्रायोरिटी असाइन करो। प्रायोरिटी असाइन करने के बाद क्या, क्या बेटा, प्रायोरिटी असाइन करने के बाद क्या, नंबरिंग दो, सॉरी एरो पुट करो, ठीक है ना, वन से टू, टू से थ्री, फिर चेक करो नंबर फोर, ठीक है, कि नंबर फोर कहाँ है, वर्टिकल लाइन में है कि हॉरिजॉन्टल लाइन में। बेटा एक जगह पे ना हमने हॉरिजॉन्टल लाइन लिखा है ना, इफ नंबर फोर इज ऑन वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन का क्या मतलब था, बिलो द प्लेन। और फिर हमने क्या लिखा था, इफ नंबर फोर इज हॉरिजॉन्टल लाइन, उसमें ब्रैकेट में लिखा क्या, उसमें लिखो ना ब्रैकेट में, वहां पर भी जगह है तो लिखो। हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब क्या होता है, अबव द प्लेन, वहां पे लिख लेना, वो लिखना भूल गए। इफ नंबर फोर इज ऑन क्या, हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन का क्या मतलब है, ब्रैकेट में लिख लेना क्या, अबव द प्लेन, क्या, अबव द प्लेन, ठीक है ना बस। तो अगर वर्टिकल लाइन में है तो कौन सा केस, वर्टिकल लाइन में नंबर फोर तो अप्लाई कौन सा केस, जनरल केस। और अगर हॉरिजॉन्टल लाइन में है तो रिवर्स द आंसर, कहानी खत्म। चलिए तो वापस आ जाते हैं बेटा कुछ क्वेश्चंस पे। आरएस कॉन्फ़िगरेशन हम तब तक असाइन नहीं कर सकते जब तक वो हमको उसका रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया होगा, बिना रिप्रेजेंटेशन के हम असाइन नहीं कर सकते वो उसको, चाहे फिशर में रिप्रेजेंट करें चाहे वेज डेस में। वेज डेस में कैसे करेंगे इसके बाद सीखेंगे, पहले हम फिशर वाला सीखते हैं, ठीक है ना बेटा। तो चलिए तो मैं कुछ दो चार क्वेश्चन दे रहा हूँ, मुझे बताएंगे ना। तो आरएस कॉन्फ़िगरेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिलेशन जब पूछता है तो आरएस कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू ही हम रिलेशन बता पाते हैं कि दो कंपाउंड के बीच में रिलेशन क्या होगा। तो चलिए बेटा, तो जैसे अगर आपको मैं देता हूँ, ये सी एच थ्री है, ये ओ एच है, ये सी एच ओ है, और ये आपका है, ठीक है ना, इसको मैं दे देता हूँ आप लोग को क्या, सी एच टू सी एच थ्री है। तो चलिए मुझे बताएं इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, पूछता है ना ऐसा, असाइन आर एस कॉन्फ़िगरेशन, लाइक ऐसा लिखता है, तो मुझे बताओ ये आर है कि एस है। अच्छा, आर एस कॉन्फ़िगरेशन के मतलब बेसिकली किस पर दिया जाता है, किसी कायरल कार्बन के ऊपर दिया जाता है, यस और नो। इसमें एकमात्र कायरल कार्बन है, पर यस और नो, तो इसी के पीछे आपको बताना है कि आर होगा कि एस होगा। चलो स्टार्ट करते हैं, जिसका आंसर आ जाएगा वो बता देना, अभी हाथ ऊपर करना, इसका आंसर आएगा वो हाथ ऊपर करेंगे, आर होगा। चलो इसको थोड़ा सा आप ओपन कर सकते हैं, मैं अलग से लिख देता हूं, सी
एच थ्री, ये है सी, दो एच है और एक, देखो इतना ओपन नहीं करते लेकिन पहला क्वेश्चन है तो मैं ओपन कर रहा हूँ, अदरवाइज हम फास्ट कर लेते हैं। सी एच टू सी एच थ्री वैसे लिखेंगे ना बेटा, अरे यस और नो, कुछ चीजें सिखाऊंगा ना। सी डबल सी एच ओ को कैसे लिखेंगे, सी डबल बॉन्ड ओ एच, लेकिन इसका क्या मतलब है, अगर ये फर्स्ट एटम सेकेंड एटम से हाँ मल्टीपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है उसको मैं क्या मानूंगा, दो सिंगल बॉन्ड, यस और नो, अरे हाँ ना बोलो बेटा, चंग यहाँ तक किसी को दिक्कत, और ये तो ओ एच है, ओ एच। तो चलिए इसको मैंने इसमें पहले ओपन किया, ओपन करने के बाद अब सुनना ध्यान से, मुझे बताओ सबसे ज्यादा हाई प्रायोरिटी कौन सा है, ओ एच है, तो नंबर वन मैंने दे दिया ओ एच को, ये हो गया ओ एच नंबर वन, राइट। नंबर टू मैं किसको दूं, सी एच ओ को, सुनो तो कैसे, अभी सुनना बेटा, अब कैसे देखो सी एच ओ को कैसे देना, ये भी इंपॉर्टेंट बात है ना। देखो बेटा इसमें इन तीनों का, इन तीनों का फर्स्ट एटम क्या है, कार्बन है, यस और नो। सेकंड एटम सबका क्या है, इसका हाइड्रोजन है, इसमें दो हाइड्रोजन और एक कार्बन है, इसमें एक हाइड्रोजन और दो ऑक्सीजन है, तो सर इसको कैसे करें, तो आप सुनना बेटा, तो आप क्या करना, सेकंड एटम अगर एक से ज्यादा है तो आप उसको एटॉमिक नंबर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप ब्रैकेट में लिखना, कैसे सुन लो, तो करने का तरीका बेटा ये तीनों के तीनों सेम है, तो आप हाइड्रोजन 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 ये ऐसे ब्रैकेट में, ये तीनों के तीनों क्या है, सेकंड एटम है, यस और नो। इसमें सेकंड एटम कौन कौन से हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन कार्बन, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन कार्बन, इसमें एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा कौन है, कार्बन, तो उसको लिखने का तरीका, जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा है उसको पहले लिखें कार्बन, और देन फिर क्या बेटा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये ऐसा इसके लिए ऐसा, ठीक है। और यहां पर कैसे करूं मैं, ऑक्सीजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये ऐसा, ठीक है बेटा। इतना लिखने के बाद अब आप क्या करें बेटा, अब आपने टीम बना दिया, एक टीम हो गया, ये एक टीम हो गया, ये एक टीम हो गया, तो तीनों टीम के पहला मेंबर क्या होगा बेटा, आपस में भिड़ेगा, चेक करेगा कि तुम हम में से कौन सीनियर है, यस और नो, ठीक है ना। जब अगेन सबका पहला आइटम अगेन कॉमन निकल गया, तो फिर आप क्या करना, फिर आप सेकेंड आइटम देखना, तो सुनो मेरी बात बेटा, अपने देखो इसमें हाइड्रोजन है पहला आइटम, सेकेंड सेकेंड आइटम में पहला कौन सा है, हाइड्रोजन, इसमें कौन सा है, कार्बन, तो इससे ज्यादा सीनियर ये है कार्बन, और इससे ज्यादा सीनियर कौन सा है, ये क्योंकि ऑक्सीजन है, आया समझ में, ठीक है ना। तो नंबर वन ये हो जाएगा, नंबर टू ये हो जाएगा, नंबर थ्री ये हो जाएगा, और नंबर फोर ये हो जाएगा, मैं समझा पाया क्या। अगर सेकेंड एटम एक से ज्यादा है, और ऑब्वियस बात है कार्बन जुड़े होंगे तो एक से ज्यादा ही होंगे, तब आप उसको कैसे करें, उनको आप बेटा उनको एटॉमिक नंबर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब हायर एटॉमिक नंबर पहले लिखेंगे और उसके बाद लोअर वाले को उसके कॉमा करके उसके बाद लिखेंगे, यस और नो। तो ऐसे पहले आप नोट करें, इसमें कार्बन सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर, देन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, यस और नो। तो आपको क्या करना है, आपको तीनों का सम नहीं करना है, बहुत बच्चे गलती कर देते हैं, क्या करते हैं सर तीनों के एटॉमिक नंबर जोड़ देंगे, फिर चेक करेंगे किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है, तो एक दो क्वेश्चन में तो कर लोगे, ठीक है ना, और कुछ क्वेश्चन में आपको आंसर सही मिल जाएगा, लेकिन सारे क्वेश्चन में ऐसा नहीं मिलेगा, तो सबका एटॉमिक नंबर सम मत कर देना, इन सबका सम करके वैल्यू निकालूंगा, इन सबका सम करके वैल्यू निकालूंगा, इन सबका सम करके वैल्यू निकालूंगा, ऐसा नहीं है, क्लियर है क्या आपको। अगेन इसको देखा, इसमें इसको देखा, इसमें इसको देखा, मार्क कर लेना किसको देखा, यस और नो। तो इन तीनों में पता चल गया सबसे ज्यादा ऑक्सीजन, देन कार्बन, देन हाइड्रोजन, तो ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, फर्स्ट तो ये हो गया था, क्लियर है क्या। ये करने के बाद बेटा मैं अब यहाँ पर, ये मैंने थोड़ा रफ वर्क किया था मैं इधर, अब मैं आ जाता हूँ वापस यहाँ पर, थोड़ा सा मुझे अच्छे से दिखेगा यहाँ पर। तो नंबर वन कौन सा था, ये, नंबर टू कौन सा था, ये, नंबर थ्री कौन सा था, ये, नंबर फोर ये। चलिए तो मैं क्या करूंगा, एरो पुट करूंगा, एरो कैसे पुट करूंगा, वन से टू, टू से थ्री, चंगा। फिर मैं क्या करूंगा बेटा, क्या चेक करूंगा, नंबर फोर, नंबर फोर कहां पे है, हॉरिजॉन्टल लाइन, तो जब हम, तो कौन सा आंसर, रिवर्स दिया आंसर, तो मुझे बताओ बेटा ये क्या दिख रहा है,
एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मतलब होता है एस, एस का रिवर्स आर। तो इसका आंसर क्या है, समझा पा रहा हूं क्या? ठीक है, आप लोग चाहो तो एक बार लिख सकते हो ना कि क्या लिखोगे कि यहां पर नंबर फोर क्या है। इन दिस केस नंबर फोर इज ऑन हॉरिजॉन्टल लाइन, देन अप्लाई रिवर्स द आंसर। और यस और नो, तो ऐसा आप यहाँ पे एक लाइन लिख सकते हो ताकि आप ज्यादा और क्लियर रहो। इन दिस केस नंबर फोर इज ऑन क्या बेटा, हॉरिजॉन्टल लाइन। और अगर नंबर फोर हॉरिजॉन्टल लाइन में तो कौन सा केस, रिवर्स, रिवर्स द आंसर, देन अप्लाई, देन वी अप्लाई क्या बेटा, रिवर्स द आंसर। और इसकी वजह से एंड ड्यू टू दिस, इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या कॉन्फ़िगरेशन है बेटा, वो एस आर कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज का मतलब एस है लेकिन अप्लाई कौन सा केस करना है, रिवर्स, तो एस का रिवर्स आर। क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है बेटा? चलो आगे बढ़ूं क्या, बढ़े आगे मुझे बताएंगे CH3CN CH2OH। ये IIT में आया क्वेश्चन है, ठीक है ना, एक क्वेश्चन मैं IIT वाले भी दे देता हूँ। ये इसलिए दिया, मैक्सिमम बच्चों ने इसको गलत किया था पर मुझे उम्मीद है कि आप गलती नहीं करोगे। सीधा आंसर बता दे मेरे को क्या बेटा, एस आर आर एस क्या आर आर, चलो क्या आर, कितने बच्चे हैं एस वाले, एस वाले एक दो, आंसर इज एस नॉट आर। नंबर वन बता बेटा जो तू सोचा, नंबर वन ये, तो बेटा तू गलती क्यों कर रहा है फिर, अगर ये नंबर वन है तब तो सही आंसर आना चाहिए। ये वन, सेकंड कौन सा है, टू, थर्ड कौन सा है, फोर कौन सा है, एच। एरो पुट कर दे, वन से टू, टू से थ्री। अच्छा ये एंटी क्लॉकवाइज नजर आ गया ना, नहीं नहीं क्लॉकवाइज नजर, अरे यस 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 आई एम सॉरी, चल मेरी गलती है, मुझे क्लॉकवाइज नहीं एंटी क्लॉकवाइज नजर आ रहा था, आंसर है आर। एस कैसे बोला बेटा, जिस बच्चे ने एस बोला है वही गलती किया ये, थैंक यू सो मच, मैं डर गया था इतने सारे बच्चे गलती क्यों कर रहे हैं। ठीक है ना, अगेन बच्चे ने क्या गलती करी थी आपको समझ में आ गया होगा, ये सी एन है और ये सी एन है तो क्या समझा, जो उन्होंने रूल नंबर थ्री जो कहता है वो क्या कि बेटा इसका क्या मतलब है, ये कार्बन और क्या नाइट्रोजन, ये तीन नाइट्रोजन है और उन्होंने क्या कर दिया था, सबके एटॉमिक नंबर सम कर दिया था सर, 777। इसीलिए मैंने पहले ही आपको सतर्क कर दिया, ऐसे नहीं करते हैं, आपको क्या करना है बेटा, इसका सेकेंड एटम कौन कौन सा है, देखो दोनों का फर्स्ट एटम क्या है, कॉमन है, तो जब फर्स्ट एटम कॉमन हो तो देन गो फॉर सेकेंड, अरे यस और नो, तो इसका सेकेंड एटम क्या है, तीनों के तीनों नाइट्रोजन, इसमें क्या है बेटा, इसमें सेकेंड एटम क्या है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, शाबाश। और इसमें तो बेटा सबके सब क्या है, हाइड्रोजन, यस और नो, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। चलो तो बेटा देखो, सब इनका पहला एटम कार्बन है, मतलब इन तीनों में प्रायोरिटी सबसे ज्यादा, अब देखेंगे तो सेकंड एटम देखेंगे, तो सेकंड एटम में इसमें नाइट्रोजन, इसमें ऑक्सीजन, इसमें हाइड्रोजन, तो नंबर वन ये हो जाएगा, ये नंबर वन, देन ये नंबर टू, देन नंबर थ्री, नंबर फोर, बस काम ही खत्म। तो प्रायोरिटी में ही गलती किया गया था और इस वजह से इसका आंसर गलत आया था, पर आप ध्यान रखना प्रायोरिटी में गलती मत करना। क्लियर है बेटा, चलिए तो इसका जो है ये क्लॉकवाइज है और क्लॉकवाइज है, नंबर फोर वर्टिकल लाइन में था तो जनरल केस, बेटा लिखना चाहो तो लिख सकते हो, इस केस में क्या है, नंबर फोर वर्टिकल लाइन में है तो हम कौन सा केस अप्लाई करेंगे, जनरल केस, और जनरल केस की वजह से आंसर क्या जाएगा, ठीक है। तो नंबर फोर बहुत इंपॉर्टेंट है भाई,
ठीक है क्या? चलिए अगला बेटा, अब मैं आपको तो थोड़ा सा वेज डैश में जाता हूँ, वेज डैश में। तो वेज डैश में क्या, जैसे अगर आपको ऐसे दे दिया तो उसमें जो वर्टिकल लाइन था, वर्टिकल लाइन का क्या मतलब होता है? बिलो द प्लेन। तो इसमें बिलो द प्लेन कौन सा है? ये वाला, यस और नो? तो अरे यस और नो, तो अगर नंबर फोर यहां पे आ गया तो अप्लाई करेंगे कौन सा? जनरल केस। एक बार फिर से वो वाला रूल याद करो, एरो पुट करने के बाद हम चेक करते थे नंबर फोर को। तो नंबर फोर अगर वर्टिकल लाइन में रहा तो कौन सा केस? जनरल केस। वर्टिकल लाइन का मतलब क्या होता है? बिलो द प्लेन। मुझे बताओ वेज डैश में बिलो द प्लेन कौन सा है? ये। तो अगर नंबर फोर यहां पर आ गया तो कौन सा केस? जनरल केस। यस और नो बेटा, कब रिवर्स द आंसर लगता है? जब नंबर फोर हॉरिजॉन्टल लाइन में होता है, और हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब क्या होता है? अबव द प्लेन। इसमें अबव द प्लेन कौन सा है? वेज। यस और नो? तो अगर नंबर फोर यहां ना रहे के, अगर नंबर फोर यहां पे आया तो कौन सा केस? रिवर्स द आंसर। यस और नो? अभी अभी रुक जाना बेटा, मैं करूंगा ना, ठीक है ना बेटा? तो अब देखो, फिशर में, फिशर प्रोजेक्शन में एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल था, दो ही लाइन थे, लेकिन इसमें कितने हैं? तीन, एक डैश, एक वेज और एक सॉलिड लाइन जो ऑन द प्लेन को बताता है। ये ऑन द प्लेन है, ये अबव द प्लेन है, ये बिलो द प्लेन है। यस और नो? तो हम बिलो द प्लेन और अबव द प्लेन वाला तो केस हमको पता है, पर अगर नंबर फोर ऑन द प्लेन हुआ तब हम क्या करें? तो उसके लिए हमको देखना है। यस और नो? समझ में आ रहा है क्या? तो पहले तो जो सिंपल क्वेश्चन पहले वो करते हैं, और फिर उसके बाद ऑन द प्लेन में क्या करेंगे हम वो करेंगे। तो पहले मैं एक सवाल ले लेता हूँ बेटा, ये हो जाएगा, ये OH है, ये COOH है, ये H है, ये CH3 है। तो चलिए इसको मुझे बताओ कि इसमें हम क्या करें, मतलब इसमें RS कॉन्ट्रैक्शन कैसे देखें। तो चलिए फटाफट अगेन नंबरिंग कर लो, नंबरिंग करते हैं बेटा। नंबर वन कौन सा होगा? नंबर वन कौन सा होगा? OH। नंबर टू COOH, ये नंबर टू। नंबर थ्री कौन सा? CH3। नंबर फोर कौन सा? अरे यार एक सेकेंड रुक जाओ, ये नंबर फोर को, नंबर फोर यहाँ पे आ रहा है ना, मैं यहाँ पे ले आता हूँ। क्वेश्चन लिख लिया क्या? क्वेश्चन लिख लिया क्या? अगर क्वेश्चन लिख लिया तो इसका आंसर जो है ना, इसका आंसर हम लोग देंगे तो छोटा सा जगह छोड़ देंगे, ठीक है क्या? मैं नंबर फोर को मुझे लाना है या तो वेज में या तो डैश, पहले वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। अरे हाँ ना बोलो, एच में क्या करता हूँ ना, एच मैंने यहाँ पे लगा देता हूँ, ओ एच यहाँ लगा देता हूँ, सी ओ ओ एच यहाँ लगा देता हूँ, सी एस सी यहाँ पे लगा देता हूँ। चलो अगेन, ये पहले मुझे बताओ बेटा, नंबर वन किसको दूँ? ओ एच। नंबर टू किसको दूँ? सी ओ एच। नंबर थ्री किसको दूँ? सी एस सी। अब नंबर फोर किसको दूँ? ये। तो अब यहाँ पर एक बार लिखेंगे कुछ, इसकी भी प्रैक्टिस कर लेते हैं क्या? हाँ, इसमें लिख लो क्या कि यहाँ पे नंबर फोर कहाँ पे है? बिलो द प्लेन है, ठीक है ना? तो इन दिस केस नंबर फोर, नंबर फोर इज ऑन बिलो द प्लेन। तो जब बिलो द प्लेन होता है तो क्या करते हैं बेटा? जनरल केस। देन अप्लाई, अप्लाई क्या? जनरल केस। तो अब एरो पुट कर लो बेटा, अभी एरो कैसे पुट करेंगे मुझे तो बताओ। नंबर फोर को हाइड करो, वन से टू एंड टू से थ्री, ठीक है क्या? अरे हाँ ना बोलो। नंबर फोर को आप क्रॉस कर जाना भैया, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वन से टू, टू से थ्री। तो बेटा अब मैंने जनरल केस अप्लाई कर लिया तो क्या लिख रहा है? क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज का मतलब क्या? आर। तो यही तो क्या है, ये आर, ठीक है। अगर नंबर फोर यहां पर होता, नंबर फोर यहाँ पर होता तो ये, हाँ रिवर्स द आंसर अप्लाई करते हैं, क्लियर है क्या? एक क्वेश्चन वो भी कर लेते हैं, ये सब आता है ना, इसको लिख, इसको लिख लिया ना, तो मेरे पास लाइसेंस है, मैं तो यहीं पे चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे इसको कर लेता हूँ, ओ एच यहाँ रख देता हूँ और एच यहाँ रख देता हूँ, ठीक है बेटा। तो अब क्या हो जाएगा? अब ये हो जाएगा, अब ये हो जाएगा क्या? ये हो जाएगा वन
ये हो जाएगा टू, ये हो जाएगा थ्री, ये हो जाएगा फोर, यस और नो? अरे हाँ ना बोलो भाई, यहाँ पे लिख देता हूँ, नंबर फोर किसमें है? नंबर फोर किसमें है? अबव द प्लेन है, यस और नो? जब नंबर फोर अबव द प्लेन है तो कौन सा केस? रिवर्स द आंसर। तो रिवर्स द आंसर में क्या बेटा मुझे बताओ, एरो कैसे दिख रहा है? एरो दिख रहा है वन से टू, टू से थ्री, यस और नो? तो यहां पर अगेन क्या बेटा, ये हमको दिख रहा है क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज का मतलब क्या? क्लॉकवाइज का मतलब होता है आर, लेकिन अप्लाई क्या करना है? रिवर्स। तो रिवर्स अप्लाई करना, तो आर क्या हो जाएगा? एस। समझ लो ना, तो ये इसका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है? एस। समझा पा रहा हूं मैं? पर क्या होगा कि अगर नंबर जो फोर है वो बिलो द प्लेन और अबव द प्लेन में ना रहकर ऑन द प्लेन में आ जाए, या तो यहां या तो यहां, समझ रहे हो ना बेटा? तब क्या करें? चलो तो हम वापस अपने क्वेश्चन में आ जाते हैं, जो सबसे पहला हमने क्वेश्चन यहाँ पे किया था अभी वेज डेस में। मिटा दूं क्या इसको? देखो आपके पास आंसर आपके सामने है। क्या आंसर सामने है बेटा? इसके पहले वाला जो क्वेश्चन आपने लिखा था उसको देखो क्या है उसमें, अभी देखना बस। इधर देखो, इधर देखो क्या था। यहाँ पर जब मैंने किया था सी डबल ओ एच यहाँ पे लिया था, सी एस यहाँ पे लिया था, और बेटा ओ एच जो था वो यहाँ था, यस और नो? और एच क्या था? यहाँ था। अरे हाँ ना बोलो यार, इससे पहले वाला क्वेश्चन यही था। इसका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या आया था? इसका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या था? आर। इसका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है? एस। दोनों में अंतर क्या हुआ है? सुनो मेरी बात, अगर किसी कायरल कार्बन से जुड़े हुए दो ग्रुप को अगर मैं क्या कर दूं, स्विच कर दूं, क्या कर दूं? स्विच कर दूं। इसको मैंने इधर रख दिया और इसको मैंने इधर रख दिया, तो कॉन्फ़िगरेशन भी क्या हो गया? स्विच हो गया। ये आर था, अभी क्या हो गया? एस। तो अगर मैं किसी चीज को एक बार स्विच करता हूं तो कॉन्फ़िगरेशन एक बार स्विच होगा, अगर किसी चीज को मैं दो बार स्विच करता हूं तो कॉन्फ़िगरेशन दो बार स्विच होगा। कैसे? सुनना मेरी बात, सुनना ना, पहले मैं कुछ अच्छी बात बता रहा हूं, देन आप लोगों को मैं आंसर कराऊंगा ना, सुनना। अभी मैंने इस क्वेश्चन में इसको एक बार स्विच किया, एच जो था यहां से यहां पे आ गया और ओ एच वहां चला गया। अभी मैं क्या करता हूँ बेटा, इस कैरल कार्बन के अलॉन्ग मैं दो कंपाउंड को स्विच करता हूँ, मतलब कैसे? सी एस ग्रुप, देखो इसको भी स्विच कर देता हूँ और इसको भी स्विच कर देता हूँ आपस में, तो दो स्विच हो गया। अच्छा, दो स्विच आप कैसे भी कर सकते हो, इसको स्विच कर दो फिर इसको स्विच कर दो, ये भी दो स्विच, डबल स्विचिंग है, या इसको स्विच कर दो इसको स्विच कर, इसको भी क्या बोलते हैं? डबल स्विच। कोई भी दो को आप, कोई भी दो एटम को या मॉलिक्यूल को दो बार स्विच करो, डबल स्विचिंग ही होगा, कैसे भी स्विच। समझ में आ रहा है क्या? तो सुनना मेरी बात, पहले मैं समझा रहा हूँ, देन आप फिर हम काम करेंगे। कि जैसे बेटा ये पहला क्वेश्चन था जिसमें ये कार्बन है, ठीक है ना, तो बेटा इसका कॉन्फिगरेशन आ रहा है ना, मैं इसको स्विच कर रहा हूँ दो, मैं एक बार स्विच कर रहा हूँ, कैसे? OH को ऊपर लेके चला गया और H को क्या, कहाँ लेके आ गया? नीचे। थोड़ा अच्छे से इक्वल लिख लेते हैं, एक बार स्विच हो गया। अब एक बार स्विच आपस में करा देता हूं, सी एच थ्री ऊपर कर देता हूं, सी डबल ओ एच नीचे कर देता हूं। अरे हाँ ना बोलो, तो देखो मुझे बताओ, इधर से इधर ये सिंगल स्विच था, लेकिन इधर से इधर डबल स्विच है, तो मेरी बात सुनना, मेरी बात, मेरे को देखना, मैं देखना सिंगल स्विच होऊंगा और डबल स्विच होऊंगा, मैं नहीं होता हूं, तू आ जा, तू आ जा, जल्दी आ जाएगा, इधर से साइड आ जाएगा, जल्दी आ जाएगा। देखना बेटा ना, ये जो है ये सिंगल स्विच कर रहा हूँ, तो सिंगल स्विच कर रहा हूँ, क्या देखना ये क्या, ये वही है कि अलग है, पहले जैसा रहेगा कि नहीं रहेगा? स्विच हो जा, ये क्या ये वैसा रहा? नहीं, ये चेंज हो गया, ये सिंगल स्विच है, ठीक है ना। तो सिंगल स्विच से कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? चेंज। आर से क्या हो जाएगा? एस। अब एक और सिंगल स्विच करूंगा तो ओवरऑल क्या हो जाएगा? डबल स्विच। एक और सिंगल हो जा, तो सिंगल सिंगल डबल, ये वापस पहले जैसा हो गया।
तो किसी यस और नो, तो किसी को जब हम दो बार स्विच करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? आइडेंटिकल। किसी को दो बार हम स्विच करेंगे तो क्या मिलेगा? आइडेंटिकल। सिंगल स्विच करेंगे तो क्या मिलेगा? अपोजिट। सिंगल स्विच किया क्या मिला? अपोजिट। एक बार और स्विच किया, अगेन अपोजिट हुआ, लेकिन वो क्या हो जाएगा? आइडेंटिकल। तो अभी मैं आपको देखो इसको, मैं इस यहां से मैं यहां पे देखा ना, तो मुझे देखकर समझ में आया कि यार एक एक स्विच और एक स्विच, दो स्विच हुआ है, तो दो स्विच हुआ है 100% बेटा, अगर ये आर है तो ये भी आर होगा। समझ रहे हो क्या? पर हमको ऐसे देखकर अंदाजा नहीं लगाना है, हमको कॉन्फ़िगरेशन ही निकालना है। तो आप कॉन्फ़िगरेशन निकाल के देखो बेटा, देखना ये OH नंबर 1 हो जाएगा, COOH नंबर 2 हो जाएगा, ये नंबर 3 हो जाएगा, और नंबर 4 कौन सा है? H। अरे हाँ ना बोलो, अप्लाई करो 1 से 2, 2 से 3, 1 से 2, 2 से 1, 3, 2 मत आ जाना, 1 से 2, 2 से 3। यस और नो? अब चेक करो नंबर 4 कहाँ है, नंबर 4 कहाँ है? अबव द प्लेन। अबव द प्लेन मतलब रिवर्स द आंसर। मुझे बताओ बेटा ये क्या दिख रहा है? एंटी क्लॉक वाइज। एंटी क्लॉक वाइज मतलब क्या? एस, एस का रिवर्स आर, ये आर। समझ में आ रहा है क्या? अब यही क्वेश्चन बनता है, मैंने इसे क्यों सकम समझाया? अगर मुझे RS कॉन्फ़िगरेशन नहीं आता, अगर मुझे RS कॉन्फ़िगरेशन नहीं आता और मुझे दो कंपाउंड देता, एक कंपाउंड ये और एक कंपाउंड ये, बोलता इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, क्या मैं इनको आइडेंटिकल बोल पाता क्या? नहीं, मुझे आइडेंटिकल दिखाई नहीं दे रहा है, पर है क्या ये? आइडेंटिकल। अब समझ में आया RS कॉन्फ़िगरेशन का यूज? हमको क्या करना होता है जब भी हमको कुछ ऐसे दे दिए, मतलब ये दे दिया बेटा ये ए है, ये बी है और ये सी है, आपको पूछा कि इन तीनों में आपस में रिलेशन बताओ, ए और बी के बीच में क्या रिलेशन होगा, बी और सी के बीच में क्या रिलेशन होगा, या ए और सी के बीच में क्या रिलेशन होगा। मेरी बात समझ पा रहे हो क्या? तो ए और बी ये आइडेंटिकल नहीं है, पर बी और सी क्या है बेटा? आइडेंटिकल है। तो अगर बी और सी आइडेंटिकल है तो सी और ए क्या है? अगेन आइडेंटिकल नहीं है। जब ए बी के साथ आइडेंटिकल नहीं है तो ए सी के साथ भी आइडेंटिकल नहीं है। समझ रहे हो ना? वो कैसे देखा हमने? कॉन्फ़िगरेशन से। इसका एस है, इन दोनों का आर है, तो दोनों आर आर वाले थे, इनका मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चर भी सेम, सिर्फ ओरिएंटेशन का फर्क, मतलब ये क्या स्टीरियो आइसोमर्स है। तो जब दोनों स्टीरियो आइसोमर्स का कॉन्फ़िगरेशन सेम है, आर आर है, जब दोनों का आर आर है मतलब क्या है? आइडेंटिकल। लेकिन एक का आर है और दूसरे का एस है, मतलब ये आइडेंटिकल नहीं है। तो अब आपको RS कॉन्फ़िगरेशन का मतलब समझ में आया? मतलब समझ में आया? यस और नो? तो चलो अब मेरी बात सुनना ध्यान से। मैंने जो स्विचिंग करी है ना, इसी का फायदा उठाऊंगा मैं अपने ऊपर वाले क्वेश्चन में। क्या? कि नंबर 4 बेटा, इतना समझ में आया क्या? ये इतनी बातें समझ में आई? ये बात अब सिर्फ समझने के लिए था। अब आ जाओ पुराने क्वेश्चन पे। पुराना क्वेश्चन ये था, मुझे एक बात बताओ, हमारे पास दो ही केस है, दो ही केस है, कौन कौन सा? एक जनरल और एक रिवर्स द आंसर। लेकिन ये दोनों केस दो ही जगहों पे अप्लाई होते हैं। जनरल केस बिलो द प्लेन में अप्लाई होता है और रिवर्स द आंसर अबव द प्लेन में, ठीक है ना बेटा? लेकिन यहां पर तो नंबर 4 किस में है? ऑन द प्लेन में है, इसके लिए मेरे पास केस नहीं है। तो मैं इसके लिए केस बना लूंगा कैसे? स्विच करके। लेकिन जब भी मैं स्विच करूंगा तो मुझे पता होना चाहिए कि मैंने सिंगल स्विच किया है कि डबल स्विच किया है। अगर मैंने सिंगल स्विच किया है तो मैं आंसर भी एक बार स्विच करूंगा, अगर मैंने डबल स्विच किया है तो आंसर मैं दो बार स्विच करूंगा। लेकिन डबल स्विच करना ही मत, सिंगल स्विच ही करना। यस और नो? तो देखो, तो आप इस क्वेश्चन को अपने हिसाब से क्वेश्चन को चेंज कर देना। जब आप क्वेश्चन को चेंज करोगे तो जो आंसर आएगा उसको भी आप एक बार चेंज करोगे। मैं समझा पा रहा हूं? सुनना ध्यान से। तो बेटा ये क्वेश्चन था, अब वापस आ जाते हैं। ये क्वेश्चन था, अरे ये क्वेश्चन था ना? तो क्वेश्चन था तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले इसी में नंबरिंग कर देंगे। जैसे नंबरिंग करा, हमको क्या नजर आया? और ये नंबर 4 तो किसमें है? ऑन द प्लेन में है। तो अगर नंबर 4, अब इसी के लिए हम नया केस बनाएंगे बेटा। अगर आपको यहाँ पे जगह नहीं दिख रहा होगा ना, अगर यहाँ पे आपके पास जगह कम होगा तो इसको अगेन नीचे लिख लेंगे कि आपको प्रॉपर जगह मिले। इन दिस केस नंबर 4 इज ऑन ऑन द प्लेन। अरे यस और नो? नंबर 4 इज ऑन द प्लेन। इन दिस केस, इन दिस केस नंबर 4 इज ऑन द प्लेन। तो जब भी नंबर 4 ऑन द प्लेन होगा तब आप क्या करेंगे?
अप्लाई, जैसे लिखा वैसे लिखेंगे बेटा, अप्लाई स्विचिंग मेथड, अप्लाई स्विचिंग मेथड, अप्लाई स्विचिंग मेथड। तो स्विचिंग मेथड क्या है? सिंगल स्विच करने पे, सिंगल स्विच करने पे कॉन्फ़िगरेशन भी सिंगल स्विच होगा, डबल स्विच करने पे कॉन्फ़िगरेशन भी डबल स्विच होगा। सुन लो बेटा मेरी बात, इधर सुनो, पहले फिर से सुनो मैं जो लिख रहा हूं। सिंगल अगर स्विच कर रहा हूं, सिंगल स्विच, सिंगल स्विच क्या मतलब बेटा? तो सिंगल अगर स्विच करूंगा मतलब स्विच एक बार स्विच हुआ तो आंसर भी क्या होगा? सिंगल स्विच होगा। तो अगर कोई सॉरी नो, अगर कोई आर आ रहा है तो आर क्या आएगा? एस आएगा। अरे हाँ ना बोलो, तो सिंगल स्विच करने पे कॉन्फ़िगरेशन भी सिंगल स्विच होगा, आर से एस। लेकिन अगर मैं डबल स्विच करता हूं, क्या करता हूं बेटा? डबल स्विच। अगर मैं डबल स्विच करूं तो डबल स्विच करूंगा तो आंसर भी क्या होगा? डबल स्विच। मतलब अगर आर आ रहा था तो आर एस बनेगा और एस फिर से आर बनेगा, मतलब आर आर ही रहेगा। तो डबल स्विच करने पे हमको मिलता है आइडेंटिकल, सिंगल स्विच पे क्या मिलता है? डिफरेंट, अपोजिट। मेरी बात समझ में आ रहा है क्या? डबल स्विच करने पे हमको मिलता है आइडेंटिकल, डबल स्विच करने पे क्या मिलता है? आइडेंटिकल। और सिंगल स्विच करने पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज मिलता है। अरे हाँ ना बोलो। तो बेटा सुन लो, ये चीज समझने का था, आप नहीं भी लिखोगे तो खत्म, जरूरत नहीं है इसका लिखने का, ये समझाने के लिए था, ठीक है क्या? अप्लाई स्विचिंग मेथड, अब मैं इसको मिटा रहा हूँ ना, अप्लाई स्विचिंग मेथड। सुनो मेरी बात, ये मत लिखना, ये लिख भी दिया है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये जरूरत नहीं था लिखने का, काम की बात अभी सुनो। अप्लाई स्विचिंग मेथड, अप्लाई क्या बेटा? स्विचिंग मेथड। तो क्या करेंगे सुनो, ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन है, तो आप क्या करना, एक नया क्वेश्चन तैयार करना जिसमें नंबर फोर को स्विच करोगे किसी एक के साथ, या तो बिलो द प्लेन के साथ या तो अबव द प्लेन के साथ, और यस और नो, किसी एक के साथ आप स्विच कर देना जिसका केस आपको पता है। तो बेटा अप्लाई स्विचिंग मेथड लिख लिया ना, तो मैं क्या करता हूँ, स्विच करता हूँ, तो फिर से इसको नीचे लिखना, अप्लाई स्विचिंग मेथड लिखा, अगेन फिर से इसको लिखना, पहले थोड़ा सा ना अच्छे से लिखना जरूरी है, फिर हम फास्ट करेंगे, यस और नो। तो मैं सुनो, अप्लाई स्विचिंग मेथड के बाद फिर से इसको लिखो बेटा एज इट इज, अच्छे से लिखो, नंबरिंग दे दो, कॉपी बनाना बहुत अच्छे से ना भैया, अब करो सुनो, अब करो स्विच। तो बेटा स्विच जो है ना दो जगह से कर सकते हो, या तो आप बिलो द प्लेन के साथ कर सकते हो या तो अबव द प्लेन, आपकी मर्जी है। अगर आप बिलो द प्लेन के साथ करोगे तो नंबर फोर किस में आ गया? बिलो द प्लेन में, और बिलो द प्लेन में कौन सा केस लगता है? जनरल केस। तो आप जनरल केस के हिसाब से आंसर लाना, तो पहले एक एक करके रुकना ना, अब एक बार मेरे को देख लो फिर आप लोग उसको निकला। तो मैं स्विच कर रहा हूँ, स्विच स्विच करो बेटा, फोर एंड टू स्विच करो, किसको? फोर एंड टू को स्विच करो। तो आप नया क्वेश्चन बनाना, क्वेश्चन आपको ये दिया है, पर इस क्वेश्चन से नया क्वेश्चन बनाओगे ये बेटा। अब आप इसमें जब नया क्वेश्चन बनाओगे ना बेटा, तब एटम को लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ नंबरिंग स्विच कर देना, यस और नो। आपने स्विच किया किसको? एच नंबर फोर और टू को, तो फोर आ जाएगा यहाँ, टू आ जाएगा यहाँ, अरे बोलो भाई, और बाकी वन और थ्री को जैसा का वैसा रहने देना। इतना कर लिया, ठीक है क्या? चलो इतना करने के बाद अब बेटा अब जो आप करते आए हो वो करते चलो। क्या करेंगे? एरो पुट करेंगे। एरो पुट करेंगे कैसे? वन से टू, टू से थ्री, वन से टू, टू से थ्री, यस और नो। तो मुझे बताओ ये क्या दिख रहा है? क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज, क्लॉक वाइज। नंबर फोर कहाँ पे है? बिलो द प्लेन। बिलो द प्लेन में कौन सा केस? जनरल केस। मुझे बताओ क्लॉक वाइज मतलब क्या? आर। तो बेटा इसका आंसर आर है, आर। लेकिन किसका आंसर है? इसका। क्वेश्चन हमको ये नहीं दिया है, क्वेश्चन हमको क्या दिया है? ये। अरे यस और नो, हमने इस क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए, ठीक है, इस क्वेश्चन को हमने क्या किया? स्विच किया। देखो हाथ को देखो मैं क्या कर रहा हूं बेटा, ये ऐसा है, यस और नो। तो इसको मैंने क्या किया, ये इससे आंसर नहीं आ रहा था, तो इस क्वेश्चन से आंसर नहीं आ रहा था, तो हमने क्या किया, क्वेश्चन को स्विच कर दिया, हमने इसको स्विच किया ऐसे, तो ये बन गया। अरे यस और नो।
तो हमने इसका आंसर निकाला, तो जिसका, तो जब ये आंसर निकाला तो आंसर इसका निकला है, आर किसका है, इसका। तो जब आर इसका आंसर है, ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या होगा, तो कॉन्फिगरेशन को भी क्या करेंगे, वो वापस से स्विच करेंगे, तो आर को वापस से स्विच करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, एस। तो अगर आप क्वेश्चन को स्विच कर रहे हो तो आपको आंसर को भी स्विच करना पड़ेगा। अब स्विचिंग समझ में आया, क्वेश्चन मैंने एक बार स्विच किया तो आंसर को भी एक बार स्विच करोगे, अगर आर है तो इसका आंसर है एस, अगर क्वेश्चन को मैं दो बार स्विच करता तो आंसर को दो बार स्विच कर दे, तो हम दो बार स्विच करने की जरूरत हमको नहीं पड़ेगी। अब समझा पा रहा हूं मैं, तो इसका आंसर है एस। अगर आप क्वेश्चन को एक बार स्विच करते हो तो आंसर को भी एक बार स्विच करना है, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन को दो बार स्विच करते हो तो आपको आंसर को दो बार स्विच करना है, पर आपको दो बार स्विच करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, करना भी नहीं है। चलिए, पर बस आपको बता दिया मैं कि डबल स्विचिंग से आइडेंटिकल आंसर आता है, कि चीजें आपके दिमाग में रहे। अच्छा बेटा, ये क्वेश्चन आपने, अगर सर मैं स्विच 2 एंड 4 को ही क्यों करूं, सर मैं 1 और 4 को भी तो कर सकता हूं, क्योंकि मेरे पास इस वेज वाला, मतलब अबव द प्लेन वाला भी तो केस है, कर लो आपकी मर्जी, वही आंसर आने वाला है। तो बेटा आप लोग मत करना, मैं कर लेता हूं एक बार, ठीक है ना। आपने किसी एक के साथ करो, मैं इस ये वाला भी कर लेता हूं। तो मैं क्या करता हूं, 4 और 1 को, 4 और किसको बेटा, 1, तो 4 और 1 को स्विच करेंगे तो क्या, 4 और 1 को स्विच करेंगे तो क्या बेटा, अब जैसे देखो अगेन, तो क्या सुनो, 4 और तो 4 यहां पे आ जाएगा बेटा और 1 आ जाएगा यहां पे, यस और नो, और बाकी जैसा का वैसा, ये 2 को 2 रहने दो, 3 को 3 रहने दो। चलिए अब करते हैं आंसर, लाते हैं भैया, क्या बेटा एरो पुट करो, 1 से 2 एंड 2 से 3, यस और नो, एरो पुट किया 1 से 2, 2 से 3, एरो पुट करने के बाद चेक करूंगा क्या नंबर 4 कहां पे, नंबर 4 कहां पे है, अबव द प्लेन, और अबव द प्लेन में कौन सा, रिवर्स ही आंसर, राइट। मुझे बताओ ये क्या दिख रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब एस, तो एस का रिवर्स आर, इसका आंसर अगेन क्या आ गया, आर, यस और नो। अब अगर ये आर है तो ये क्या हो जाएगा, एस। समझा पा रहा हूं मैं, yes। तो देखो आप सिंगल स्विच, आपने सिंगल, इधर सुनो फिर से, आपको क्या समझ में आया, आपने सिंगल स्विच चाहे इसको करो या फिर इसको करो, समझ में आया, सिंगल स्विच आप कहीं में भी करो, कैसे भी करो, अगर आप सिंगल स्विच किए, अगर आप क्या किए, सिंगल स्विच किए तो कॉन्फ़िगरेशन एस से क्या हो गया था, आर, यस और नो। तो आपने पहले क्वेश्चन को स्विच किया, तो जैसे क्वेश्चन को स्विच किया तो जो भी आंसर आएगा उसको भी आपको क्या करना है, स्विच। तो जब स्विच करोगे तो आंसर एस आएगा, आर मत बोल देना गलती से, कई बार बच्चे स्विच करके जो आया वही लिख देते हैं, समझ रहे हो ना, क्वेश्चन आपसे ये पूछा था तो आंसर इसका थोड़ी बताओगे, क्वेश्चन अगर इसका पूछा था तो आंसर इसका थोड़ी ना बताओगे, यस और नो, अगर आपने ये किया तो इसको भी आप क्या करोगे, स्विच करोगे और तब आंसर बताओगे, इसको अगर चेंज किया है तो इसके आंसर को भी आप चेंज करोगे, ये कहानी खत्म। तो आर एस कॉन्फ़िगरेशन समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है बेटा, yes। चलो एक क्वेश्चन करेंगे, वापस बढ़ू आगे, चलो इसका मुझे बताओ, सॉरी इसका मुझे बताओ क्या, आर एस कॉन्फ़िगरेशन, क्या आया बेटा, yes। सबका ऐसा आ रहा है, किसी का आर भी आ रहा है, नंबर 1 मुझे बताओ किसको दूं, नंबर 1 किसको दूं, सी एच ओ को, पथ का, क्यों, तो ये देखो पहला एटम सबका कॉमन था, इसका सेकंड एटम मुझे बता दो,
सेकेंड आइटम कैसे लिखूंगा बताओ ना जल्दी से। हाँ तो इसमें बेटा आप देखो, अब आपके दिमाग में तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ, इसके लिए क्या बेटा सी डबल बॉन्ड ओ है, सी एच ओ कैसे लिखते हैं आपको पता है ना, सी एच ओ कैसे लिखते हैं, सी एच ओ ऐसे लिखते हैं सी डबल बॉन्ड ओ एच, यही सी एच ओ होता है। तो यहाँ पर पहला आइटम और सेकेंड आइटम के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड का मतलब क्या है, दो सिंगल बॉन्ड, यस और नो, सबको समझ में आ रहा है बेटा, सबको समझ में आ रहा है ना, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, ऑक्सीजन अगेन एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन, यस और नो मतलब ऑक्सीजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ये हो गया। इसमें तो तीनों के तीनों क्या है, हाइड्रोजन है, इसमें क्या है बेटा, एक ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन, आपको पता है ना पहला जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उसको पहले लिखेंगे, भूल तो नहीं रहे हो ना, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है उसको पहले लिखेंगे, और इसमें क्या बेटा, एक कार्बन और दो हाइड्रोजन। चलो तो पहला तो नंबर, हाँ अभी अब देखो ऐसा है, इसको मिटा देता हूँ ये, चलो तो देखो तो बेटा सारे में पहला आइटम कॉमन था, तो सेकेंड आइटम देखते हैं, ऑक्सीजन कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, तो बेटा देखो तो यार ये भी ऑक्सीजन ये भी ऑक्सीजन, ठीक है ना, ठीक है, इन दोनों से ज्यादा प्रायोरिटी ये दोनों रखेंगे पहली बात, यस और नो, हाँ चलो रुकना पहले देख लेते बेटा, ये दोनों की प्रायोरिटी कम है इन दोनों से, इन दोनों में बेटा ये दोनों जो है, दोनों में पहला आइटम क्या है ऑक्सीजन, फिर अगला क्या, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, ये और ये कैंसिल, फिर अगला देखो ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन, किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा, ऑक्सीजन, तो नंबर वन ये क्लियर है क्या, नंबर टू ये ठीक है, अब इसके बाद भी, अब ये वन टू हो गया, अब इसके बाद फिर क्या बेटा, ये कार्बन ये हाइड्रोजन ये थ्री और ये, चलो तो स्टार्ट करते हैं नंबरिंग, नंबरिंग करने के बाद एरो को पुट करेंगे, एक से दो, दो से तीन, चंगा बेटा एक से दो, दो से तीन, तो नंबर फोर कहाँ पे है, अबाउ द प्लेन, अबाउ द प्लेन मतलब रिवर्स द आंसर, तो देखना ही क्या दिख रहा है, एंटी क्लॉक वाइज, एंटी क्लॉक वाइज मतलब एस, एस का रिवर्स, ठीक है इतनी सी बात है, ठीक है बेटा, चलो अब मुझे बताओ इस कंपाउंड में कितने कैरल कार्बन हैं, दो कैरल कार्बन, तो दोनों कैरल कार्बन के अलोंग हमको क्या देखना है, आरएस कॉन्फ़िगरेशन, मतलब इस कैरल कार्बन का आरएस अलग देखना है, इस कार्बन का आरएस अलग देखना है, मतलब यहाँ पे यस और नो, या तो आर आर आएंगे या तो एस एस आएंगे, या तो आर एस आएगा या तो एस आर आएगा, यस और नो, तो इसको सुनो मेरी बात, तो इसको कैसे, इधर इधर नोट कर लिया क्या बेटा, तो इसको कैसे लिखते मैं पहले बता दूं, रुकना मेरी बात ना, तो बेटा सबसे पहले आईयूपीएसी नंबरिंग आपको आती है, आईयूपीएसी पहले सुन लो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं इसलिए मैं बहुत धीरे धीरे बता रहा हूं, लेकिन तब भी अगर कंफ्यूजन हो तब भी मुझे क्लियर कर देना, मुझे बताओ बेटा ये टार्ट्रिक एसिड है, आईयूपीएसी नंबरिंग में इस कार्बन को नंबर क्या मिलेगा, टू, इसको थ्री, बेटा ये भी टू हो सकता है ये भी टू हो सकता है, यस और नो, समझ में आ रहा है क्या, सी ओ ओ एच सी एच ओ एच सी एच ओ एच सी डबल बॉन्ड ओ एच, यही कंपाउंड है जिसको रिप्रेजेंटेशन हमने ऐसे किया है, बेटा जिन बच्चों को ना ये रिप्रेजेंटेशन समझ में नहीं आ रहा है ना वो ज्यादा नहीं सोचेंगे, अभी बस ये समझ लें कि ये कार्बन आपको पता ही है, ठीक है ना, सी डबल ओ एच सी एच ओ एच सी एच ओ एच सी डबल ओ एच, यही हो गया सी डबल ओ एच सी एच ओ एच सी एच ओ एच सी डबल ओ एच, ठीक है, जब हम रिवाइज करेंगे तो हम इसको समझेंगे प्रॉपर, फिलहाल मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि बेटा अगेन देखो इसमें कायरल कार्बन कौन सा, एक तो ये है और एक तो ये है, अब आईयूपीएसी नंबरिंग करेंगे पैरेंट कार्बन चेन क्या होगा, यहां से यहां, यस और नो, तो अब नंबरिंग करेंगे तो आपकी मर्जी है नंबरिंग, आप वन टू थ्री फोर भी कर सकते हो और वन टू थ्री फोर भी कर सकते हो, सर बोलना क्या चाह रहे हो, बोलना ये चाह रहा हूं पहले ही क्लियर कर रहा हूं कि अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन आपने आर निकाला, सपोज फॉर एग्जांपल
और इसका आपने एस निकाला, तो आपको ऐसे नहीं आता कि ऐसे बता दोगे, उसमें ऑप्शन में रहता है 2R3S फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन रहेगा 2S3R, यस और नो, और थर्ड ऑप्शन है बोथ। मुझे बताओ आंसर क्या है इसका, मतलब एक मिनट के लिए मैं आपको बता दूं कि ये R और ये S है, तो आंसर इसका, अगर ये मैंने पहले बता दिया आर और एस, तो इसका आंसर क्या दोगे, इसका आंसर दोगे बोथ, समझ। क्यों? क्योंकि बेटा अगर ऊपर से देखा तो ये 2 दिख रहा था, तो 2R3S, नीचे से देखा, नीचे से नंबरिंग किया तो ये 2 नजर आ रहा है, 2S3R, यस और नो। तो इस केस में इसका कॉन्फिगरेशन 2R3S भी है और 2S3R भी है, ठीक है क्या, ये ध्यान में रखना। लेकिन अगर अगर मैंने इसको COOH ना करके इसको CH3 कर दिया, CH3 कर दिया, अब मुझे बताओ फर्स्ट सेकंड थर्ड आंसर क्या बेटा, आंसर फर्स्ट 2R3S, ठीक है क्या। अच्छा एक चीज और, अगर मैंने इसको ये कर दिया COOCH3, अब मुझे बताओ फर्स्ट सेकंड थर्ड आंसर अगेन फर्स्ट, क्योंकि ये ईस्टर है, और अगर ये ईस्टर है तो आपको पता है कि इसमें दो डिफरेंट टाइप के फंक्शनल ग्रुप आ गए, IUPAC आपको मैंने अच्छे से पढ़ा रखा है, दो डिफरेंट टाइप के फंक्शनल ग्रुप आ गए, तो जब दो अलग अलग टाइप के फंक्शनल ग्रुप जब आते हैं तब हम क्या देखते हैं कि हाँ कौन सा फंक्शनल ग्रुप सीनियर है, जो सीनियर होता है वो सफिक्स बनता है और जो जूनियर होता है वो प्रीफिक्स बनता है, यस और नो। तो जूनियर फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को हम पेरेंट कार्बन चेन में इंक्लूड नहीं करते, तो आप IUPAC अगर इसमें नेमिंग करेंगे तो पेरेंट कार्बन चेन कितने कार्बन का होगा, 3 कार्बन का, बस ये तीन, ये कार्बन इंक्लूड होगा ही नहीं, समझ में आ रहा है क्या। तो जब ये कार्बन इंक्लूड नहीं होगा तो नंबरिंग क्या करेंगे, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 इसको दोगे ही नहीं, यस और नो। तो नंबरिंग एक साइड से होगा, ऐसे होगा ही नहीं, मतलब नंबरिंग अगर मैं इसमें करूं तो ये 1, ये 2, ये 3 होगा, इसको नंबरिंग नहीं दोगे, मतलब अगेन क्या, ये कार्बन हमेशा 2 ही होगा, ये कार्बन हमेशा 3 ही होगा, तो इस केस में अगेन आंसर 2R3S होगा। मैं समझा पा रहा हूं, सबको समझ में आ रहा है। लेकिन अगर ये भी COOH और ये भी COOH, तब नंबरिंग ऊपर से नीचे भी हो सकती है और नीचे से ऊपर, तब इसका आंसर फर्स्ट और सेकंड दोनों होगा, मतलब आंसर बोथ होगा। तो पहले इतना क्लियर हो गया, बच्चे इसी में ही अटक जाते हैं कि यार कैसे करो, एक जगह तो बोथ आंसर आता है, एक जगह एक आता है, एक जगह दूसरा जगह कुछ और आता है, यस और नो। तो आपको समझ में आ रहा है पहले तो चलिए, तो क्वेश्चन का जब आंसर है वो इसी तरीके से आता है कि आर एस में नंबर पूछता है कि कौन सा आर कौन सा एस, 2R3S के 3S2R, कुछ इस तरीके से 2S3R, क्लियर है क्या। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट करें, मैं वही क्वेश्चन सेम दे रहा हूँ, OH OH COO, एक बार मुझे करने दिया जाए फिर आप लोग करना बेटा, इसके बाद वाला क्वेश्चन आप करना। तो देखो सबसे पहले दिमाग में आप तुरंत देखते साथ डाल लो कि यार इस कार्बन का कौन सा नंबर होगा, इस कार्बन का कौन सा नंबर होगा, देखते साथ समझ में आ रहा है सर, ये 2 और 3 भी हो सकता है या 2 और 3 ऐसे भी हो सकता है, क्लियर है क्या। अरे हाँ ना बोलो, तो चलो तो देखते साथ मुझे पहले ये समझ में आ गया, सबसे पहले मैं ऊपर वाले कार्बन का निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो क्या करना है बेटा, तो मैं रफ वर्क करूंगा, पहले रफ वर्क कैसे करूंगा कि देखो कैसे, सुनना ध्यान से बेटा, इस कार्बन के लिए पहले रेफर कर रहा हूं ना, इस कार्बन के लिए एक ग्रुप ये हो गया, दूसरा ग्रुप ये हो गया, तीसरा ग्रुप ये हो गया, और चौथा ग्रुप इससे जुड़ा हुआ ये पूरा होगा, पूरा, बात समझा पा रहा हूं क्या, ठीक है ना। अगेन फिर से, इस कार्बन के लिए एक ये, तो मेरी बात सुनना ध्यान से, तो इस कार्बन से जुड़े हुए चारों ग्रुप में मैं सबसे पहले असाइन क्या करूंगा, प्रायोरिटी, यस और नो, असाइन priority to all 4 different group attached with क्या बेटा, chiral carbon। तो इस chiral carbon जुड़े हुए तो चारों जो different group हैं उसको मैं क्या दूंगा, priority, yes or no। तो वैसे करके मैं इसका configuration निकालूंगा, जब ये configuration मैंने निकाल लूंगा जो आ गया, फिर मैं क्या करूंगा बेटा, फिर मैं इस carbon पे आऊंगा, फिर इस carbon पे क्या करूंगा, इस carbon के लिए बेटा chiral carbon को अपन क्या करते हैं, स्टार मार्क से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसके लिए निकालूंगा तो इसके लिए एक ग्रुप हो जाएगा ये, दूसरा ग्रुप हो जाएगा ये, तीसरा ग्रुप हो जाएगा ये, और चौथा ग्रुप ये पूरा होगा, समझा पा रहा हूं मैं, समझ में आ रहा है क्या चीजें। तो चलो स्टार्ट करते हैं, तो मैं नीचे वाले कार्बन से स्टार्ट करता हूं क्योंकि मैंने मार्किंग कर रखा है, तो फिर मैं ऊपर वाले से कर लूंगा।
ठीक है, एक बार करते हैं ना, तो इसका पहले कर लेते हैं फिर इसका कर लेंगे। चलो तो मुझे बताओ बेटा, इस कार्बन जुड़े हुए जो चारों ग्रुप में, उसमें नंबर वन किसको दिया जाए? OH को, क्योंकि इधर से पहला एटम क्या है, कार्बन, इधर से हाइड्रोजन, इधर से अगेन कार्बन, इधर से पहला एटम कार्बन ही तो है, लेकिन इधर से ऑक्सीजन, सब में सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर किसका है, ऑक्सीजन का, ये हो जाएगा नंबर वन, ये हो जाएगा नंबर वन। क्लियर है क्या? अब नंबर टू देखो, नंबर टू इसमें इंपॉर्टेंट है, बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं। नंबर टू क्या बेटा, देखो ये तो हाइड्रोजन है, इधर से कार्बन, इधर से भी कार्बन, तो दोनों का फर्स्ट एटम क्या है, कार्बन है, सेम है, तो जब फर्स्ट एटम सेम हो देन गो फॉर सेकेंड। मुझे बताओ बेटा, ऊपर वाले का सेकेंड एटम क्या है, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन। अरे हाँ ना, बोलो ना। तो ऊपर वाले का जो सेकेंड एटम है वो क्या बेटा, थोड़ा सा रफ्फर करना पड़ेगा ना हम लोग को, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऑक्सीजन, कार्बन और हाइड्रोजन, इसको मैंने यस और नो, ऊपर और नीचे वाले का सेकेंड एटम क्या है, ऑक्सीजन, 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 नॉट हाइड्रोजन, क्योंकि बेटा हाँ ये सी डबल ओ एच को आप कैसे करते हो, सी डबल बॉन्ड ओ और एच, अरे गलती से मिस्टेक हो गया, मत करना। सेकेंड एटम क्या बेटा, ऑक्सीजन, 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 तीनों ऑक्सीजन, हाइड्रोजन नहीं, तो इसको ओपन, तो बेटा इधर से ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। तो अब मुझे बताओ बेटा, अब तो क्लियर ही हो गया क्या, ये तो नंबर फोर ही बनेगा बेटा, तो नंबर फोर बनेगा, ये वन और ये फोर, बेटा टू कौन बनेगा, थ्री कौन बनेगा, तो पहले एटम दोनों का ऑक्सीजन कॉमन कैंसिल, यस और नो, इसका अगला कार्बन, इसका अगला ऑक्सीजन, तो ये हो जाएगा नंबर टू और ये हो जाएगा नंबर थ्री। चंगा, ठीक है ना, रफ वर्क आप लोग पहले दो तीन क्वेश्चन में अच्छे से रफ वर्क करके आंसर लाना, पहले ही उसी में ही पूरा खिचड़ी मत पका देना, पहले ही एक ही क्वेश्चन में अगर खिचड़ी पका, रुको रुको अभी करना मत, खिचड़ी अगर पका दिए तो फिर हम बाद में रिविजन में हमको बहुत बड़ा प्रॉब्लम जाएगा, तो क्वेश्चन अलग रखना और आंसर को दो बार अलग अलग लिखना, नीचे के लिए अलग एक बार लिखना, ऊपर के लिए अलग लिखना। तो चलो बेटा इतना हो गया, तो हम आंसर कर लेंगे अब, क्या यार एरो पुट करेंगे, वन से एरो पुट करेंगे क्या बेटा, वन से टू एंड टू से थ्री, यस और नो, क्या दिख रहा है, क्लॉकवाइज, लेकिन नंबर फोर चेक कर लो क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन, तो हॉरिजॉन्टल लाइन में क्या, रिवर्स ही आंसर, तो क्लॉकवाइज मतलब आर, आर का रिवर्स एस, तो नीचे वाले का आ जाएगा एस, ठीक है ना। yes. तो बस ऐसे बेटा, तो ये एक बार प्रैक्टिस में आ जाए ना, फिर आपको ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखना ऊपर वाले का मैं कैसे कर रहा हूँ, फास्ट आंसर, ऊपर अलग निकालना है, ऊपर अलग नंबर वन ये होगा OH, नंबर टू बेटा, नंबर टू, नंबर टू देखो, एक इसके लिए एक ग्रुप ये माना जाएगा, एक ग्रुप ये, एक ग्रुप ये और एक ग्रुप ये, नंबर वन तो दे ही दिया, नंबर टू ऊपर के नीचे, ऊपर yes. है ना, पक्का समझ में आ रहा है कि आप लोग दो बार लिखना चाहो तो दो बार लिख लेना भैया, इसके लिए अलग निकाली, उसके लिए अलग, जो भी आपको करना पड़े अभी कर लेना, पूरा समय है, ठीक है, मैं कर ही लेता हूँ, लेकिन है ना, ऊपर है सी ओ ओ एच, ये ओ एच है, ये एच है, इधर क्या बेटा, इधर भी ओ एच है, एच है, सी डबल ओ एच है, मुझे ऊपर वाले कार्बन के निकालना है, तो चलो इसमें नंबरिंग करूंगा मैं, तो नंबरिंग करूंगा, ये हो जाएगा वन, ठीक है ना, ऊपर वाले के लिए बेटा तीन ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन, 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 अरे हाँ ना बोलो, नीचे वाले क्या बेटा, ये कार्बन, ये कार्बन, अरे हाँ ना बोलो, तो ये कार्बन और कार्बन कॉमन था, तो कॉमन था तो गो फॉर सेकंड, अरे हाँ ना बोलो ना, पहला एटम और सेकंड एटम कॉमन था तो गो फॉर सेकंड, इसका सेकंड एटम ऑक्सीजन, 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 इसका सेकंड एटम क्या बेटा, कार्बन, सॉरी ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, है ना, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, तो बेटा और ये तो ये वन, ये फोर हो जाएगा, ऊपर वाला नंबर टू निकलेगा, नीचे वाला नंबर थ्री निकलेगा, ये पूरा पूरा एक ग्रुप था, यस और नो, ये ग्रुप था, एक ग्रुप ये, यस और नो, तो ये वन, ये टू, ये थ्री और ये फोर, तो एक से दो, दो से तीन, यस और नो, नंबर फोर कहाँ पे है, हॉरिजॉन्टल लाइन में है, एरो क्या दिख रहा है आपको, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब S, S का रिवर्स R, हॉरिजॉन्टल लाइन पे तो रिवर्स करना पड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज मतलब S, S का रिवर्स R, ये हो जाएगा R, मतलब नीचे वाला S, ऊपर वाला R,
समझ में आ रहा है क्या? Yes. तो बेटा ये जो आंसर ला रहे हो ना, इसको क्वेश्चन में मत करना, क्वेश्चन को जैसा का वैसा रहने देना। कैसा क्वेश्चन था आपका? ये सी ओ ओ एच सी ओ ओ एच ओ एच ओ एच एच एच, तो ऊपर वाले का आ रहा है, नीचे के वाले का ऐसा है। कैसे आया? ऐसे। ठीक है क्या? अरे हाँ ना बोलो। Yes, sir. तो अब इसका मैं पूछूंगा कि इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, मुझे बताओ। क्या इसका कॉन्फ़िगरेशन 2R3S है कि 2S3R है? बोथ है, 2R3S या फिर 2S3R, क्योंकि इसमें IUPAC नंबरिंग ऊपर से नीचे भी हो सकती है और नीचे से ऊपर भी हो सकती है। समझा पा रहा हूँ ना? ये क्वेश्चन बना हुआ है ना, पूछा गया है। तो जो भी बच्चे ने हड़बड़ी में ऊपर से नीचे ही बोल दिया ना कि यार ऊपर से नीचे दिख रहा 2R3S, तो उसका मामला साफ है। फिर इसका आंसर जो है बेटा, इसका आंसर जो है, इसका आंसर नीचे लिख लो, कॉन्फ़िगरेशन 2R3S भी है या फिर 2S क्या बेटा 3R, दोनों इसको ऐसे ब्रैकेट में लिख देना, ब्रैकेट में ऐसा। ये इसका आंसर है, 2R3S बोलो या 2S3R बोलो, दोनों एक ही बात है। ठीक है? Yes. समय ले लो, अच्छे से कॉपी में नोट करना ना। बेटा मैं ऑर्गेनिक में मैक्सिमम बच्चों को ना ये स्टीरियो आइसोमर्स ये रिलेशन मैक्सिमम लोग को ना बहुत टफ लगता है। क्यों? क्योंकि इस तरीके से वो ना जो समझे होते हैं ना इसको रिकॉल बार बार नहीं कर पाते। अभी आपको जो समझ में आया है ना इसको घर में दो बार तीन बार ध्यान से ये है क्या टफ? कोई टफ नहीं है। मैं हमने क्या किया, हमने सबसे पहले CIP रूल के अकॉर्डिंग क्या कर दिया, प्रायोरिटी असाइन कर दिया। प्रायोरिटी असाइन करने के बाद 1, 2, 3, 4 करने के बाद एरो पुट कर दिया। एरो पुट करने के बाद नंबर 4 देखा, नंबर 4 कहाँ है। नंबर 4 अगर बिलो द प्लेन है तो हमने जनरल केस अप्लाई किया, और अगर बिलो अगर नंबर 4 अबव द प्लेन है तो रिवर्स द आंसर अप्लाई किया, और इससे RS कॉन्फ़िगरेशन। इतना सिंपल है, जस्ट जितना बता रहा हूँ उतना ही सिंपल। लेकिन इसके बावजूद भी बच्चे इसको बहुत बड़ा टफ मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक बार पढ़ने के बाद वो प्रॉपर तरीके से रिवाइज नहीं कर पाते, और बाद में अगेन उसको पढ़ने की हिम्मत नहीं ला पाते तो ये बहुत बड़ा उनको क्या लगता है, टफ। तो इसको अभी आप लोग दो बार तीन बार अच्छे से कर लेना, जितना सिंपल है ये उससे भी सिंपल हो जाएगा। क्लियर है क्या? आगे बढ़ जाऊं? जब ये कर लोगे तभी आप दो कंपाउंड के बीच में रिलेशन बता पाओगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है RS कॉन्फ़िगरेशन निकालना। क्लियर है? बढ़ू आगे लिख लिया ना इसको। चलो जल्दी से बताना है इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है। CH3 CH2 CH3 OH OH HH, चलो बताओ इसको मेरे को लिख के बताना प्रॉपर। कौन R है कौन S है, मतलब कौन सा कार्बन R कौन सा कार्बन S, समझ रहे हो ना, 2, 3 जैसा। चलो करके बताओ। पूरा लंबा लाइन खींच लिया करना, पूरा लंबा लाइन खींचना पहले ऐसा एक वर्टिकल लाइन सीधा लंबा। हाँ अब ऐसा आधा नहीं, तो OH को मैंने दोनों को अलग अलग जगह रखा है।
चलो पांच ऑप्शन दिए गए हैं, इसके पांचों में से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन क्या है, इस कंपाउंड का कॉन्फ़िगरेशन क्या है? क्वेश्चन ऐसे ही आएगा ना, इसका कॉन्फ़िगरेशन बताओ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सेकंड, बेटा जिसका जिसका आंसर आते जाएगा ना हाथ ऊपर करते जाना। क्या है बेटा? फिफ्थ, पांचवा, हाँ फोर्थ, हाँ बेटा फोर्थ, और कोई? हाँ क्या? अब यार ये क्वेश्चन भाई, जितना जितना कैरल कार्बन, हर कैरल कार्बन के अलोंग RH, क्या फोर्थ, और कोई? हाँ आंसर फोर्थ, फिफ्थ तो है ही नहीं बेटा, फिफ्थ कैसे नहीं? मुझे बताओ IUPAC नंबरिंग तुम किसी एक साइड से तो करोगे, ऊपर से नीचे ही करोगे, क्योंकि OH नंबर टू मिल रहा है इधर से, वन टू थ्री OH थ्री मिल रहा है, तो यस और नो, मैं समझा पा रहा हूँ बेटा? IUPAC नंबरिंग करना जानते, ये क्या है, ये कंपाउंड का अगर मैं ऐसे लिखूं आपको क्लियर होगा, CH3CHOH, ये भी CHOH, CHOH, और फिर क्या बेटा CH2C, यही बस ये इसका ओरिएंटेशन है। अरे हाँ ना बोलो मुझे एक बात, अरे हाँ ना बोलो ना यार, सबके सांप सुन गए क्या? ये कंपाउंड यही कंपाउंड है ना, इसका जस्ट ये क्या है, ओरिएंटेशन है। मुझे बताओ पेरेंट कार्बन चेन कितने कार्बन का होगा? पांच कार्बन का। अरे हाँ ना बोलो, नंबरिंग किधर से कर सकते हैं, लेफ्ट टू राइट भी और राइट टू लेफ्ट दोनों भी, दोनों कर सकते हैं क्या? नहीं, एक ही करेंगे क्या, लेफ्ट टू राइट, क्योंकि बेटा लोवेस्ट लोकेट रूल, इधर से नंबर टू पे वो पड़ रहा है, इधर से नंबर थ्री पे, ये तो हम कर चुके बहुत अच्छे से, तो बेटा बोथ तो किसी भी कीमत में नहीं आएगा आंसर, है ना? तो बस चलो नंबरिंग किधर से करेंगे, इधर मतलब इसमें ऊपर से नीचे, ये वन ये टू ये थ्री ये फोर, ये फोर और ये फाइव, मतलब ये टू है और ये थ्री है, इसको दिमाग में रखो, और अभी मिटा देता हूँ इसको मैं, ये टू है और ये थ्री है। फिर कई बार क्वेश्चन देखो कितना मस्त देता है घुमा के नीचे CH, देखो इसको कई बार आपको एकेडमिक जो धोखा होता है कई बार क्या करता है, नीचे CH3 रखता है और ऊपर CH2 CH3 रखता है, अरे यस और नो, तो अगर मैं नीचे CH3 रखा और ऊपर CH2 CH3 रखा, इसका क्या मतलब हुआ, सेकेंड कार्बन ये होगा और थर्ड कार्बन ये होगा, क्योंकि नंबरिंग नीचे से होगी। मैं समझा पा रहा हूं, ईमानदारी से हाथ ऊपर करना जिसको जिसको समझ में आ रहा है, ईमानदारी से, जिसको नहीं आ रहा हो प्लीज बता देना कि ताकि मैं फिर से समझाऊं, कौन हाथ ऊपर नहीं किया, जिसको नहीं आ रहा वो मतलब बता देंगे, आ रहा है समझ में किसी को नहीं आ रहा है क्या? ऐसा तो नहीं है ना, IUPAC में नंबरिंग जो है अभी ऊपर से नीचे करेंगे, अगर CH2CH3 ऊपर हो जाता CH3 नीचे हो जाता तो नंबरिंग नीचे से करते, ठीक है? चलो इधर देखो, तो बेटा अब कहानी खत्म हो गई, अब देखो ये इतना ही सिंपल है, हाँ देखो अब ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा, मुझे बताओ नंबर वन कौन सा, OH, ये नंबर वन, नंबर टू बेटा इस ऊपर के नीचे, नीचे क्योंकि ऊपर कार्बन नीचे भी कार्बन है, सेकंड नंबर क्या हाइड्रोजन, इसका सेकंड नंबर ऑक्सीजन कार्बन हाइड्रोजन, खट से दिख रहा है, तो वन ये टू ऊपर थ्री ये फोर, बेटा फोर इसमें है मतलब रिवर्स ही आंसर है ना, तो चलो एरो पुट करो, अब एरो भी पुट करने की जरूरत नहीं पड़ती, दिमाग में पुट हो जाता है, यस और नो, वन से टू, टू से थ्री, अब ऐसा हाथ कर सकते हो तो क्या दिख रहा है, वन से टू, टू से थ्री, क्या बेटा क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब आर, लेकिन आंसर रिवर्स करेंगे एस, तो ये हो जाएगा एस, तो मतलब ये टू था तो ये हो जाएगा टू एस, हाँ ना बोलो यार बेटा, और नीचे का निकालो तो कलर चेंज कर लेना अगर इसे में कर रहे हो तो, नंबर वन OH, नंबर टू ऊपर के नीचे, ऊपर नंबर टू ऊपर के नीचे, ऊपर के नीचे ऊपर, अरे बेटा ये स्केल कर रहे, पहला एटम कार्बन इधर ही, पहला एटम कार्बन सेम है, सेकेंड एटम क्या है इसका, ऑक्सीजन कार्बन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है और इसका सेकेंड एटम क्या है, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है ना? तो इसमें अगेन नंबर टू जो है इसके लिए अगेन ऊपर ही होगा, ये नंबर थ्री ये नंबर फोर, समझा पा रहा हूं, तो ये वन से टू, टू से थ्री, तो ये क्या दिख रहा है बेटा, क्लॉक क्या दिख रहा है, अगेन क्लॉकवाइज,
और रिवर्स दी आंसर। अरे हाँ ना, हाँ आई एम सॉरी, हाँ मैं बिना देखे आंसर कर दिया था। तो ये क्या हो जाएगा, वन वन से टू, टू से थ्री, तो ये क्या हो गया बेटा, क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज का रिवर्स क्लॉकवाइज का आर, आर का रिवर्स एस, तो बेटा ये एस आंसर, टू एस थ्री एस। किसी ने आंसर ही दिया ही नहीं था क्या? मैं आंसर थ्री, ठीक है, ठीक है बेटा। अरे हाँ ना बोलो, हाँ आ गया था क्या? हाँ क्या बेटा, देखो ये मुझे बताओ, ये स्केल करने के लॉन्ग निकालना है, तो ऊपर वालों को मैं ना बेटा येलो कलर मिटा दूं, येलो कलर मिटा देता हूं मैं, चलो अभी मुझे बताओ। और ये भी हटा देता हूं मैं, ये फोर थ्री, ये इसके लिए इस कार इस स्किल निकालना है। मुझे बताओ पहला आइटम कौन सा है, मतलब फर्स्ट नंबर किसको देंगे, OH ऑक्सीजन को नंबर वन। सेकंड बेटा मुझे बताओ इसके लिए ऊपर ये क्या क्या है, ये क्या क्या है इसमें, इस इधर से ये कार्बन, इधर से भी कार्बन, तो दोनों कार्बन क्या कॉमन, तो जब भी पहला आइटम कॉमन हो गो फॉर सेकंड। बेटा इधर से सेकंड आइटम क्या क्या है, ये कार्बन है ऑक्सीजन हाइड्रोजन, लेकिन लिखेंगे कैसे, ऑक्सीजन कार्बन हाइड्रोजन ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना। तो इधर से सेकंड ऑक्सीजन कार्बन हाइड्रोजन, इधर से सेकंड आइटम क्या बेटा, पहला आइटम तो कार्बन था, सेकंड आइटम क्या हो जाएगा, कार्बन और दो हाइड्रोजन, तो यहां पर क्या हो जाएगा, कार्बन और दो हाइड्रोजन, ठीक है क्या। तो बेटा ये वन हो जाएगा, टू कौन होगा, ऊपर के नीचे, ऊपर, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन है यहाँ पे कार्बन है, तो टू हो जाएगा ऊपर, थ्री हो जाएगा नीचे, एच हो जाएगा फोर, बस वन से टू, टू से थ्री। तो अब क्या दिख रहा है, ये क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब आर, लेकिन नंबर फोर क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन में है, तो आर का रिवर्स एस, तो इसलिए एस, टू एस थ्री एस, ठीक है क्या, ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है ना। देखो इसमें ना आप लोग को बस थोड़ा सा क्या करना है बेटा, पेशेंस रख के पूरा करना है, तरीका बहुत सिंपल, ठीक है ना। हम हड़बड़ी करेंगे तो गड़बड़ी हो जाएगा, क्लियर है क्या। तो बिना किए आंसर नहीं करना है, अब पूरा करो फिर आंसर करो, ठीक है, चलो मिटा दो ना, आगे बढ़ जाऊँ, मिट गया वैसे तो बस बेटा इतना ही, ऐसा जितना सिंपल दिख रहा है इतना ही सिंपल है, सिंपल ही है ना। तो मुझे बताएंगे, इसका ये होमवर्क है, होमवर्क दे दूं क्या, ये होमवर्क है आप करके आना, ठीक है, होमवर्क नंबर वन, होमवर्क नंबर टू, आरएस कॉन्फ़िगरेशन निकालना है, बेटा थोड़ा ध्यान से देख लेना ना, ये दो क्वेश्चन ही दिया हूँ, ज़्यादा नहीं दिया हूँ बेटा, इधर देख लो, यहाँ पर सी डबल ओ एच है, यहाँ पर सी डबल ओ एच है, लेकिन यहाँ पर सी डबल ओ एच, लेकिन यहाँ पर सी डबल ओ सी एच थ्री है, ठीक है, क्या मतलब है, मतलब ये कि इसमें नंबरिंग वन टू थ्री फोर ऐसे भी हो सकता है, या फिर वन टू थ्री फोर ऐसे भी हो सकता है, मतलब ये कार्बन को टू और थ्री भी मिल सकता है, या टू और थ्री ये भी मिल सकता है, पहले हिंट दे दे रहा हूं। अरे हाँ ना बोलो, ठीक है ना, लेकिन इसमें नंबरिंग, इस कार्बन नंबर टू ही मिलेगा और इसको थ्री ही मिलेगा, समझ में आ रहा है ना, नहीं आया समझ में, पक्का आ गया, आ गया है ना, हाँ।
चलो अगला सवाल, अगला अगला और कुछ दो चार दे देता हूँ, प्रैक्टिस कर लेना घर में। बेटा एक लेक्चर बचेगा बस, नेक्स्ट क्लास जो है हम क्या पढ़ेंगे, रिलेशनशिप। आर एस कॉन्फ़िगरेशन आज हमने देख लिया, रिलेशनशिप आज स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि फिर पहले इसको डाइजेस्ट कर लो अच्छे से घर में, फिर रिलेशनशिप अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है ना? तो फिर फटाफट आंसर आएगा। तो इसके दो चार क्वेश्चन मैं और दे ही देता हूँ ताकि आप घर में प्रैक्टिस प्रॉपर कर लो। फिर अगली क्लास, एक क्लास बचा है, देन आइसोमेरिज्म हमारा कंप्लीट हो जाएगा, हम एलो एल्केन में वापस केमिकल प्रॉपर्टी में स्टार्ट कर चुके होंगे। ठीक है क्या? हाँ, किसमें? हाँ ये आएगा ना, नाइन्थ को क्या दिया सिलेबस तुम्हारे में, क्या है? हेलो एल्केन है ना? हाँ तो ये पूरा आएगा भाई, हेलो एल्केन का ही पार्ट है ये, हेलो एल्केन में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का पार्ट है। और क्या दूंगा है इसके अलावा, कुछ पढ़ा ही नहीं हूँ। बेटा जैसे भी दू आपको, बस क्या आपको कौन सा बिलो द प्लेन है, कौन सा ऑन द प्लेन है, कौन सा ऑन द प्लेन और कौन अबव द प्लेन, ये पता है आपको? जैसे दिया वैसे ही आपको एरो पुट करना है, समझ रहे हो क्या? जैसा आपको दिया है एरो भी वैसे ही पुट करना है, समझ में आ रहा है क्या? बहुत सिंपल आंसर है इसका भी, ठीक है? ये आपको तीन और दो पाँच, ये पाँच क्वेश्चन दिए हैं, इतनी प्रैक्टिस कर लो, मुझे नहीं लगता अब इतना से ज़्यादा आपको और लगेगा, ठीक है क्या? फिर हम लोग ना अब नेक्स्ट क्लास में, अब क्या करना, नेक्स्ट क्लास में आप मॉड्यूल लेके आना। अब इस साल अभी लाया हो क्या मॉड्यूल? नेक्स्ट क्लास में हम लोग मॉड्यूल के क्वेश्चन भी अब साथ साथ सॉल्व करते चलेंगे। मैं आपको बताते चलूंगा कि जो कितना पढ़ा है उसमें कितने क्वेश्चन मॉड्यूल में है, कौन कौन से, ठीक है क्या? तो वो सॉल्व करते चलेंगे। चलो आज इतना ही रखते हैं, अगली क्लास में यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? थैंक यू सो मच।